Assalamualaikum. Good morning, Pakistan. अभी मैं जरा आपकी शक्लें देखना चाह रही हूँ, जरा गौर से जायजा लेना चाह रही हूँ. है तो मुस्कुराहट, लेकिन जरा जरा सी किसी किसी के चेहरे पर परेशानी भी है. और ये परेशानी तो जिस दिन हम पैदा होते हैं हमारे चेहरे पे लिख दी जाती है. थोड़े से बड़े होते हैं परेशानी शुरू जाती है लड़कियों को पढ़ाई की, ठीक है, उसके बाद अपनी खूबसूरती की, अच्छे रिश्ते हो जाएं. फिर और बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, फिर फिक्रमंदी शुरू जाती है, ससुराल में कैसे कदम जमाना है, कैसे सबका दिल जीतना है. फिर थोड़े और बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर उनकी परेशानी शुरू. अपना ख्याल रखो कि उनका ख्याल रखो, उनकी अच्छी परवरिश, उनको अच्छा खिलाओ पिलाओ, उनको अच्छा पढ़ाओ. फिर उनकी पढ़ाई खत्म होती तो उनकी फिक्र शुरू हो जाती है. उनकी नौकरी अच्छी जगह लग जाए, खुदा के आगे सिजदे कर करके, नमाजें पढ़ पढ़ के, मन्नतें कर करके जो अच्छी सी नौकरी लगती है, फिर रिश्तों की फिक्र शुरू हो जाती है कि अरे रिश्ता अच्छा आ जाए, लड़की हो तो उसका रिश्ता अच्छा आ जाए, लड़का हो तो उसको दुल्हन अच्छी मिल जाए. फिर शादी के बाद की जिंदगी की फिक्रें शुरू हो जाती है, इनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजरती रहे. यानी जो फिक्र का नाम लिख दिया गया है औरतों के साथ, वो तो उनकी कब्र तक चलता रहेगा. अब हर चीज के आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो होते हैं. अब ये जो फिक्रें हम करते हैं और हम जान के नहीं कर रहे होते, ये हमारे अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है. शायद आदमी जो है वो इतने फिक्रमंद नहीं होते जितनी खवातीन छोटी छोटी बातों को लेकर जो टेंशन ले लेती हैं. अब उनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या हमें इन फिक्रों के साथ तोहफे में चीजें मिलती हैं, आइए बताते हैं. जिल्द के मसाइल, जिल्द का बेजान होना, बालों का गिरना, ये तो हर खातून के साथ हो रहा होता है, सही है ना. अपना कोई ख्याल नहीं रखना, अपनी फिक्र नहीं करना, तो ये फिर किसी के दाने हैं, किसी को छाइयां हैं, किसी को गड़े हैं, किसी की स्किन लटक गई है, किसी के बाल गिर गए हैं, कम रह गए हैं, किसी के बाल पहले ही वक्त से पहले ही सफेद हो गए हैं, और बहुत सारी और मसाइल भाई. फिर हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों के भुरभुरेपन की वजह से जॉइंट्स में पेन होना, मजबूती ना रहना हर वक्त, मतलब लाइक मेरा मियाँ आप कहना शुरू हो गए तुम तो रोज वो बन जाती हो, हाय अल्लाह मुझे क्या हो गया. यकीन माने मैं खुद शर्मिंदा हो जाती हूँ. किसी दिन जाती हूँ मेरे घुटनों में दर्द है, किसी दिन जाती हूँ मेरी कमर में दर्द है, किसी दिन जाती हूँ मेरी एड़ियों में दर्द है. और मैं बोल के खुद, मैंने कहा कल तो मैंने बोला था मेरे घुटनों में दर्द है, आज मैंने एड़ी का नाम लिया, अब मैं चुप हो गई हूँ, अब मैं चुपचाप छुपके से दवाई खा लेती हूँ, घर में किसी को नहीं बताती क्योंकि मजाक बन जाता है यार. कभी सर में दर्द है, हाँ मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं आपके इर्द गिर्द के लोग, कभी आपकी सास, कभी आपके बच्चे खुद, मम्मा आप तो दवाइयों का डिब्बा है, मतलब लाइक आपको शर्मिंदगी होती है. आप चाहते हैं कि आप एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ सारे काम दनदनाते, लाइक मेरा दिल जाता है मैं ये भी कर लूँ, खुद से ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन मैं हर चीज़ नहीं कर सकती. यानी आप हर चीज़ नहीं कर सकती, ये सारे मसाइल भी आपके साथ चल रहे हैं. फिर ठंडे पसीने, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम. अब अगर फर्ज करें 20s में ही आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर हो जाए, आप नहीं बताएंगे किसी को, आप छुपाएंगे अपनी बीमारियों को, ना आप टेस्ट करेंगे, नहीं नहीं इतनी सी उम्र में कहाँ हो सकता है, लेकिन इतनी टेंशन के साथ तो हो सकता है ना, क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं भाई. किचन में काम कर रहे होते हैं, कभी कभार ठंडे पसीने शुरू हो जाते हैं, गर्मी में खड़ी हुई आप, आपको तरेलियां आ रही हैं, ठंडे ठंडे पसीने आ रहे हैं. फिर डिप्रेशन, बेख्वाबी, सर में दर्द, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. यानी कि हम आपस में बैठते हैं दोस्तें या बहनें, तो कभी कहती है कोई कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, फिर हम क्या करते हैं, उसकी मेडिटेशन करते हैं, हम उसकी थेरेपी करते हैं, जो आपस में सब दोस्तें बहनें बहनें होती हैं, कि बैठकर समझाएं किस वजह से डिप्रेशन हो रहा है, क्या ऐसा खाने में तुम खा रही हो या खा रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है. ये सब चीज़ें एक ऐसा इंसान जो कॉमन इंसान है उसको नहीं पता, ये एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि आपको डिप्रेशन आजकल क्यों हो रहा है. क्या आप कोई ऐसी चीज खा रही है जिससे आपको एलर्जी है, जो आपके बॉडी के अंदर जाके कुछ ऐसा केमिकल्स पैदा कर रहा है जो आपको डिप्रेशन में लेकर जा रहे हैं, हाइपरटेंशन में लेके जा रहे हैं. फिर प्रॉब्लम होती है मोटापा, खराब खाना, बच्चों के बाद का मोटापा, ये सारी चीजें हम इन सब चीजों के साथ इनको झेलते हुए अपनी जिंदगियां गुजार रहे होते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर या अच्छी नहीं होती.
क्यों नहीं हो, हमारा हक है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें। देखिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी एक बार मिली है। अगर हम अपने मसलों का हल निकाल लें तो हम भी हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं, बजाय इसके कि दूसरों को देख के हसद करें, हा 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 ये देखो कितनी पतली हो गई, ये 3 बच्चों की माँ लगती नहीं है, ये देखो इसकी तो झगड़े भी नहीं होते, ये देखो तो टीवी पर रोज बोलने आ जाती है, तो फिर हमें इतना फेसबुक पे गालियां भी नहीं दी जाए, कोई जलन के मारे गालियां दी जाती हैं। हाँ देखें, जरूरी नहीं होता कि हमारी जिंदगियां बहुत बेहतर गुजरी होती है, हम टीवी पे हंसी खुशी नजर आ रहे होते हैं, हम भी परेशान होते हैं, हम भी आप में से हैं, लेकिन होता क्या है, क्योंकि हमने आपको अपने आप को एक्टिव रखना है तो हम बीमारी की जड़ ढूंढते हैं, हम प्रॉब्लम्स जो जिससे हम फेस कर रहे होते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और मेरा ख्याल से जो औरत पढ़ी लिखी है, जो नहीं भी पढ़ी लिखी है, उन सबको खुश रहने का हक है, और जिस चीज से आप दुखी हो रहे हैं उससे उसको जिंदगी से माइनस करने का आपको पूरा पूरा हक है। आइए आज कोशिश करते हैं उन चीजों को जिंदगियों से माइनस करें जिनकी वजह से हम डिप्रेस रहते हैं, जिनकी वजह से हम हमेशा बीमारियों का पोटला कहलाते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी, मैंने तो आपको बता दिया कि मुझे डाइटिंग करने की वजह से, पतले रहने की वजह से कभी कभार मतलब हड्डियों शड्डियों में दर्द होता है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ, हर वक्त भागती दौड़ती रहूँ, घर के सारी जिम्मेदारियाँ खुश इसलूबी से सर अंजाम दूँ और चिड़चिड़ाहट मुझे ना हो। आप लोगों को क्या चीज़ सहनी पड़ती है, आप लोगों को क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी मुझे फ़ोन करके बताइए। आज आपको मौका दे रही हूँ और फ़ोन करके अपने मसाइल हमसे पूछिए, यहाँ एक्सपर्ट्स आएंगे, हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट्स आएंगे जो आपकी मदद करेंगे। मैं और एक्सपर्ट्स मिलकर आपका हाथ थामेंगे ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। आइए मुझे माइक लीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, शर्माने की माइक कहाँ है, घर में क्यों ले जाते हो सब लोग। हाँ बोलो, क्या तुम्हें कोई टेंशन है जिंदगी में? जी बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है? बच्चों है, बच्चे बहुत तंग करते हैं, काबू में नहीं आते। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे माशाल्लाह, मेरा बेटा अभी 8 में, उसके बावजूद बड़ा हो गया, भी तंग बहुत पढ़ता नहीं होगा, ब्लड प्रेशर हाई है, डिप्रेशन की दवाइयां मेडिसिन खाती है। अच्छा, बच्चों के अब्बा तो तंग नहीं करते? नहीं, वो भी करते हैं सबसे ज्यादा। चार बोलो ना, चार बोलो, 3 नहीं 4 लोग तंग। बच्चे फिर हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, उनको तो झड़प नहीं सकते। वो खुद तो यहाँ से आउट ऑफ सिटी है, मैं ही यहाँ और 3 बच्चों को संभालती हूँ। डबल डबल काम है ना, रोब भी नहीं दिखा सकती बिल्कुल। अब्बा को बता दूंगी, अब्बा क्या करेंगे वहाँ से बैठ के, फोन पे चपेड़े तो नहीं लगा सकते? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ आगे बढ़ाओ जरा माइक, आओ आज सबकी मदद करते हैं जिस जिसकी कर सकते हैं। हाँ कोई सलाम। मुझे स्टडी की टेंशन होती है, पढ़ाई की टेंशन। हाँ जी, जब एग्जाम्स होते हैं फिर। अपने बच्चों की? अपनी नहीं, अपनी की। अपनी क्या पढ़ रही हो? मैं एमफिल कर रही हूँ। एमफिल तो यार पढ़ाई की, यकीन मानो जब हम पढ़ते थे तो हम कहते थे इससे बड़ी टेंशन जिंदगी में और कुछ नहीं है। तो मुझे याद है मेरी एक सिंधी टीचर थी, वो मुझे कहती थी बेटा ये तो गोल्डन पीरियड है तुम लोगों की जिंदगी का, ये पढ़ाई, ये एजुकेशन, ये तो कुछ नहीं है। जो जिंदगी में आगे चल के टेंशन जोनी है ना, उनकी बदौलत ये कुछ नहीं है उनकी कंपैरेटिवली। तो सीरियस सही कहती थी वो, मुझे भी कोई पढ़ने भेज दे दोबारा पीछे, मैं पोजीशन होल्डर बनूंगी। माशाल्लाह एमफिल तक पहुंच गई हो। जी। तो अब क्या डर लगता है फेल हो जाओगी? नहीं, थर्रे बनाने की तरकीब बताओ। लेकिन मार्क्स का होता है कि मार्क्स अच्छी हूँ, मार्क्स जीपी का वो थोड़ा होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा। बहन मन्नत मांगले नफले मांगले, यही हो सकता है। आगे बढ़ाओ, क्यों तुम्हारी कोई टेंशन नहीं जिंदगी में, खुशहाल जिंदगी। हाँ शुक्र है, शुक्र। ये मेरी बेटी अब बच्चे बड़े बड़े हो गए। होए होए माशाल्लाह, लगी नहीं रही। अरे भाई तुम तो अभी खुद लड़की लग रही हो, मैं तो कह रही थी रिश्ता आया कोई के नहीं। वाह रे क्या अच्छा, चलो माशाल्लाह अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मुझे बताओ राज क्या है, फ्रेश जवान खुश नजर आने का राज क्या है, क्या ऐसी चीज तुम्हारे अंदर है? तो ब्यूटिशन की कोई तकलीफें नहीं होती है, मेकअप के पीछे सब चुप जाता है। हाँ सारे सारा जब मेकअप वेकअप कर रही होती है, बाल बना रही होती, टखनों में दर्द, घुटनों में दर्द, कभी कोई प्रॉब्लम, कमर में पेन नहीं होता? होता है बस, फिर मेडिसिन वगैरह खा लेते हैं बस, कोई तो टेंशन नहीं है उस बात की। बस वर्कशॉप भी रखते हैं जारी। हाँ वर्कशॉप रखती हो? और हाँ तुम बताओ अम्मा को, अम्मा कैसे खुश रहती हैं? अब्बा ने खुश रखा है, तारीफें करते रहते हैं। नहीं ये तंग करते हैं, बच्चे अभी बड़े बड़े हैं फिर भी तंग करते हैं। तंग करते हैं, बच्ची भी बहुत प्यारी है आपकी।
बात कराए जरा मेरी इससे. हाँ अम्मी खुश कैसे रहती हैं, क्या ऐसी बात है, क्या नेगेटिव नहीं है? अम्मी आपको बहुत फिट रखती हैं, अपनी बहुत केयर करती हैं, खाने पीने की भी, खाने पीने की बहुत केयर करती हैं. तो तुम लोगों की केयर कौन करता है जब ये सिर्फ अपनी कर रही होती हैं केयर? हम अपनी खुद करते हैं, कर लेते हैं हम अपनी खुद. अम्मी हमारा भी ख्याल करती हैं, सबका ख्याल करती हैं. अम्मी जो हैं फिर अपने आप को भी फिट रखती हैं. बस अच्छा जब ये बीमार हो जाती हैं फिर क्या करती हैं? फिर ये क्या रखती है मेरा. हाँ अल्लाह अल्लाह, आगे बढ़ाओ माइक. ये तो मसाइल के बगैर घर आना है. मसाइल वाला कौन है, मसले वाला कौन है यार, बताए ना क्या है? बाल गिर रहे हैं बहुत ज्यादा हमारे, बहुत ज्यादा. पीछे दिखाएं कितने बाल रह गए, थोड़े से रह गए. हाय हाय बचा लो. क्या करूँ, बचाने की कोशिश कर रही हूँ कुछ. हाँ. आज बताएं आप मुझे. वो नहीं वो लतीफा था ना, वो तीन बालों वाला, पांच बाल होते हैं, वो पार्लर जाती है, वो कहती है सुने मेरे बहुत अच्छे से जूड़ा बना दे. तो पांच बाल बनाते बनाते दो बाल टूट जाते, तीन रह जाते. तो वो कहती सुने आपके तो पांच बाल टूट गए. अच्छा चलिए सर रहने दे, मैं खुले छोड़ के ही चली जाती हूँ. बचपन का लतीफा मुझे जब मैं सुनती हूँ या सुनाती हूँ मुझे इतनी हंसी आती है. हमारे साथ भी यही होने वाला है, हमारे तीन बाल ही रह जाएंगे इन दी एंड. तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आइए मिलके एक दूसरे के मसले को हल करने की कोशिश करते हैं. बड़ी प्यारी और एजुकेटेड बातें जो हमारी जिंदगियों को आसान बनाने में करामत साबित होंगी. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इस वक्त इस सेगमेंट में मैं आप लोगों के जो मसले हल करने का मैंने बीड़ा उठाया आज, उसमें सबसे पहला जो उसमें सबसे पहली बीमारी है वो है डिप्रेशन. जरा कम बातें करो भाई, मेरे आई भी बंद करो. हाँ अब मैं आपसे बात करूँ, सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है डिप्रेशन. नींद का कम होना, नींद नहीं आना, डिप्रेस होना, महीने के आखिरी तारीखों में पैसे खत्म हो जाए उसका डिप्रेशन, बच्चों के नंबर ना अच्छे आए उसका डिप्रेशन, मियाँ ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे उसका डिप्रेशन, आपकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेस रहते हैं और एनजाइटी का शिकार रहते हैं, फिर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं. उसके लिए बात करने के लिए मैंने आपके लिए ख़ास तौर पे एक्सपर्ट को भी बुलाया है और साथ हमारी हर्बलिस्ट भी हैं. तो आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं डॉक्टर अजमल मुगल जो एक साइकेट्रिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं. और हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा डिप्रेशन मुझे लगता है ये तो अमीरों की बीमारी है, यही कहा जाता है अक्सर डिप्रेशन ये तो अमीरों की बीमारी है. मतलब जो जिसके खाने के लाले पड़े हैं, जिस औरत के पास जिसके पास आठ बच्चों की लाइन कतार लगी है, उसने सुबह झाड़ू पोछा करने घर जाना है कुंडी लगा के बाहर से, उसको डिप्रेस होने का टाइम मिलता कब है? कितने घरों में वो झाड़ू पोछा करती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बता रही हूँ, अक्सर जैसे कहते हैं ना मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो मेरी अम्मी कहती है बेटा ये तो अमीरों की बीमारी है. क्या ये क्या है डिप्रेशन? शुक्रिया आपने मुझे बुलाया. डिप्रेशन दो तरह से इस्तेमाल होता है. एक तो जैसे वो कोई किसी की डेथ हो गई, डिप्रेस हो गया. इम्तिहान में फेल हो गया, डिप्रेस हो गया. ठीक है. तलाक हो गई, डिप्रेस हो गई. ठीक है. मगर हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, डिप्रेशन एक बीमारी का नाम है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं. अच्छा. उदासी भी होती है, नींद का ना आना. हाँ. भूख का कम लगना, बात करने को दिल नहीं करना. हाँ. रोने जैसी कैफियत हो जाना. डॉक्टर साहब मुझे तो खुशी के मारे भी नींद नहीं आती कभी कभार. हाँ. बहुत खुशी होती है किसी बात पर, राइट, तब भी नींद नहीं आती, तो डिप्रेशन कहाँ से हुआ फिर? नहीं फिर अगर बात करेंगे नींद ना आना. हाँ. तो नींद ना आने की वजूहत डिप्रेशन भी है, एंग्जाइटी. अच्छा. भी है और एक्साइटमेंट भी है. एक्साइटमेंट भी है. ठीक है ठीक है. हाँ. बल्कि यूं कहें कि इसको अगर आपकी बात को जैसे दिल का धड़कना उदासी. हाँ. में भी होता है, खुशी में भी होता है. खुशी में भी होता है बिल्कुल. खुशी में भी आंसू आते हैं और गम में भी आंसू आते हैं. हाँ वाकई. ठीक है. तो इस तरह सिम्टम्स अलग चीज है और बीमारी अलग चीज है. ठीक है. तो अभी आप जो बात कर रही थी अमीर लोगों की बीमारी या गरीब. हाँ. लोगों की बीमारी, ऐसा नहीं है. अभी जो WHO एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारी सब लोग जानते हैं जी, उसके रेफरेंस से ये है कि डिप्रेशन इज द नंबर वन इलनेस थ्रू आउट द ग्लोब, पूरी. अच्छा, पूरी दुनिया में. हाँ. जिसको हम डिप्रेशन बीमारी कहते हैं. हाँ. जिसके सिम्टम्स अलग अलग हैं. ठीक है. डिप्रेशन एक कैफियत भी हो सकती है. हाँ.
किसी वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से डिप्रेस हो जाना, ठीक है, ठीक है। हाँ। और डिप्रेशन एक बीमारी भी है जिसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अच्छा देखिए, डिप्रेशन होता है तो कुछ लोग दवाइयां भी लेते हैं और कुछ लोग ऐसे ही थेरेपी के थ्रू भी सही हो जाते हैं, मगर हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है साइकियाट्रिस्ट के पास इतना जाने का, जैसे वेस्ट में बहुत है। वेस्ट में जब देखो जिसको देखो उसके वो साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा होता है। हमारे यहाँ कहते हैं अच्छा डॉक्टर के पास जाओगे क्या, पागल हो, दिमाग के डॉक्टर के पास जाओगे क्या, तुम पागल हो क्या। यहाँ छुप के जाते हैं लोग, बताते नहीं है कि हम साइकियाट्रिस्ट को दिखाने जा रहे हैं। सही, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर थैंक्स टू मीडिया और अवेयरनेस की वजह से अब काफी लोग आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब समझते हैं कि अच्छा आपके पास जाहिर है लोग आते होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या क्या मर्ज लेके आते हैं, क्या क्या दुख या दर्द उनके होते हैं जो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मैं ताकि लोगों को पता चले कि इनको ये जो हो रही है चीज, जो फीलिंग है, इसको डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि हर इंसान को नहीं पता कि ये जो हो रहा है मुझे वो डिप्रेशन है क्या। हाँ ऐसा है कि पहले हम सिम्टम्स की बात करें, डिप्रेशन के सिम्टम्स कौन से होते हैं। जी बिल्कुल, बिला वजह मायूस होना, ठीक है, जिंदगी से बेजारी, रोना, अपने आप को कमतर समझना, हाँ। भूख का कम लगना, नींद का कम आना, हाँ। वजन कम हो जाना, ये सिम्टम्स है। इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, दूसरे साइकोलॉजिकल। कुछ लोग डिप्रेशन में खाते भी तो हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, ऐसा भी है, ऐसा भी। 80% लोग जो हैं उनकी भूख कम हो जाती है, 20% ऐसे भी हैं जो ओवर ईटिंग करते हैं डिप्रेशन को, अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए। इसी तरह नींद में भी ऐसे ही है, 80% लोगों की नींद खराब हो जाती है, मगर कुछ लोग डिप्रेशन में जो ज्यादा सोते पूरे दिन सोते रहते, पता चला जब देखो दवाइयां खाए सो रहे हैं। अच्छा दूसरी बात कि डिप्रेशन में दवाइयों की कब जरूरत होती है, अगर इसको हम क्लासीफाई करें तो माइनर, मॉडरेट, सीवियर। माइनर डिप्रेशन जब होता है तो उसका उसके जब बात करें कोई स्ट्रेसर जो भी है वो शेयर करें, जल्दी आ जाए कोई आपके पास पहली स्टेज पे आ जाए, वो उसके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। जब डिप्रेशन माइनर टू मॉडरेट की तरफ चला जाता है देन वी नीड ट्रीटमेंट। अच्छा माइनर टू मॉडरेट की तरफ कब जाता है, जब आप अपना कैथार्सिस नहीं करते, जब आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते, अपने अंदर ही दफन रखते हैं, तब वो सीवियर होना शुरू हो जाता है। आज इनिशियल तो माइनर स्टेज से फिर मॉडरेट की तरफ जाता ठीक है। और उसमें फिर एक और बात बता दूं, हम जब डिप्रेशन की बात करते हैं डॉक्टर हैं हम, जी तो बायोकेमिकल उसमें रीजंस भी होते हैं। अच्छा कुछ बायोकेमिस्ट्री, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, वो कम हो जाते हैं, जिसको हमने मुख्तलिफ नाम दिए हो जाते हैं। तो कभी गिजा से भी इसका ताल्लुक हो सकता है डॉक्टर साहब, कि कोई आप गिजा में कोई ऐसी चीजें ले रहे हैं जैसे कि कॉफी है या कोई ऐसी चीज, क्या कभी गिजा से भी इसका ताल्लुक हो सकता है, किसी चीज की कमी की बॉडी में, किसी चीज की कमी, किसी केमिकल की कमी किसी गिजा की वजह से भी हो सकती है। स्पेसिफिकली तो नहीं, मगर ट्रीटमेंट में अब कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। अच्छा जिसमें कुछ फ्रूट्स हैं जैसे केला है, ठीक है, अच्छा तो उसमें एक केमिकल जो डिप्रेशन की वजह बनती है सेरोटोनिन कहते हैं। क्या नाम है उसका? सेरोटोनिन, ठीक है। अब जाहिर रिसर्च बाहर होती है, नाम वही होते हैं, जैसे यूज टू नहीं है, मलेरिया को तो यूज हो गए हैं, टाइफाइड तो हम जी बिल्कुल उसी जबान का लफ्ज़। तो सेरोटोनिन की लेवल कम हो जाती है जी, और केले में जो है जैसे अगर खाया जाए तो सेरोटोनिन लेवल बढ़ सकती है। इस रेफरेंस से मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर डिप्रेशन हो तो केला खाए तो वो थोड़ा सा केमिकल बैलेंस, सेरोटोनिन उसमें भी। ऐसा नहीं है कि जिसको सीवियर डिप्रेशन हो जाए उसको दर्जन केले खिला दें, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे भी गलत कोई पैगाम ना चला जाए, ठीक है। अच्छा हाँ। तो ट्रीटमेंट में सब्जियों के बारे में कहा जाता है, हेल्दी डाइट्स हैं, उससे डिप्रेशन कम होता है, डिप्रेशन बेहतर हो जाता है। कौन सी गिजा ऐसी है जो डिप्रेशन को बढ़ाती है, बढ़ावा देती है? ऐसा एग्जैक्टली तो हाँ गिजा तो नहीं, कुछ केमिकल्स या कुछ ड्रग्स हैं जैसे लोग हमारे मुल्क में तो वैसे भी हराम है, शराब पीते हैं, शराब लोग पीते हैं वो और एग्रेवेट हो जाते हैं, और समझते ये हैं शराब पीने से उदासी खत्म हो जाती है, मगर केमिकली जो अल्कोहल है वो डिप्रेशन नशा है। हम नशों को डिवाइड करते हैं, जो CNS को डिप्रेस करते हैं और दूसरे एलिवेट करते हैं, तो अल्कोहल इज अ डिप्रेशन, मगर उसका शुरू का जो इफेक्ट होता है लूप सेंस ऑफ हाई फीलिंग वो थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद वो शदीद डिप्रेशन में हो जाता है। अच्छा तो इसलिए अल्कोहल को जो लोग समझते हैं शायद भी उसके बारे में गम छुड़ाने की चीज़ है, वो गम और बढ़ा पीता इसलिए है क्योंकि गम भुलाने के लिए शायरी मगर वो डिप्रेशन उससे बढ़ जाता है।
बल्कि जो डिप्रेशन का मरीज होता है हाँ. वो इसी गलती में अच्छा कि डिप्रेशन ठीक कर रहा हूँ हाँ. तो और पीता रहता है वो उसका अच्छा चले हम तो खवातीन को ज्यादा फोकस कर बेचारी अच्छा, वो कहाँ से पिएंगी अच्छा हाँ. हम आप तो मर्दों की तरफ निकल पड़े अच्छा, मुझे बताएं जैसे हंस रहे हो तुम लोग हैं बदतमीज़ो जैसे खवातीन को नींद नहीं आती है इस डिप्रेशन की वजह से ही कभी कभार वो नींद मतलब उनको गोलियां लेके सोना पड़ता है वो ऐसा क्या करें कि उनको नींद आना शुरू जाए क्योंकि नींद जैसे मुझे भी डिप्रेशन होता है जाहिर है मगर तब होता है जब मेरी नींद पूरी नहीं होती तो क्या करे फिर बंदा उस वक्त खास जाकर अच्छा अगर हम इस पे बात करें नींद ना आने की वजूहात क्या हाँ, ठीक हाँ. है उसमें एक वजह डिप्रेशन भी हो सकता है दूसरी अननोन एंग्जायटी भी हो सकती है और किसी वजह सुबह में अगर किसी कोई स्ट्रेस है सुबह कहीं जाना है और एग्जाम की तैयारी करनी है तो भी हो सकती है या फिजिकल कंडीशंस हैं खासकर उसको पेट में दर्द है या कॉन्स्टिपेशन है और बहुत सारी तो उसकी वजह से भी नींद खराब हो जाती है नींद खराब होना ये नहीं है कि उसको जिसका भी नींद का मसला हो वो डिप्रेशन का मरीज है नींद खराब होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती बिल्कुल ठीक है अच्छा दूसरा ये है कि नींद करने से डिप्रेशन ठीक जरूरी नहीं है हो अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया डिप्रेशन के ऐसे भी मरीज है हाँ। जो ज्यादा सोते हैं अच्छा ठीक है ना हाँ। तो इसलिए हाँ। कोई कनेक्शन नहीं है वो डिप्रेशन अगर हो रहा है हाँ। तो डॉक्टर के पास जाके दवाई शवाई लेना या उनके साथ थेरेपी करनी पड़ी हाँ अच्छा एक और बात अभी आपने बड़ी दवाई की याद दिला दी बहुत सारे हमारे मुल्क में जैसे शराब तो मर्दों के बारे में तो नींद की गोलियां हाँ. खवातीन में नींद की गोलियां खाने का बड़ा रुझान है जिसको हाँ. हम बेंजोडाइजेपिन्स कहते हैं अच्छा लेक्सोट्रिनल जेनेक्स 81 ये बड़ी कॉमन है जो लोग खाते हैं हाँ. क्योंकि वो पता भी नहीं चलता चुपके हाँ. खा लिया किसी को और क्या तो वो नींद को तो ठीक करती है हाँ. मगर डिप्रेशन को ठीक नहीं करती है हाँ. ये मैसेज जरूर जाना चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग नींद की दवाइयां खाते हैं वो समझते हैं उससे डिप्रेशन ठीक हो जाएगा उसका असर ऐसे ही है जिसकी बात मैं कर रहा था बार बार नाम नहीं लेने का अच्छा ठीक है ओके 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 ठीक है तो ये बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो भी डिप्रेशन को बढ़ाती है नींद तो ठीक कर देती हाँ। है मगर ज्यादा अरसा लेने के बाद उसकी भी आदत हो जाती है ऐसे ही जैसे किसी और चीज की होती है ओ माय गॉड और हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो बाकी जितने भी नशे हैं उसके मरीज अगर 50 हैं सारे नशों को मिला के एक्स वाई जेड जितने भी हैं जी और वो एक तरफ और ये गोलियों की आदत नींद की गोली क्योंकि ये हराम नहीं है हराम नहीं तो और आराम से मिल जाता है हर एज की खातून खा लेती है हाँ। मर्दों से ज्यादा खवातीन खा रही होती है ना बुजुर्ग खा रहे होते हैं कि बीमारियां हमें इतनी बेटा नींद कैसे आएगी तो चलो बल्कि बुजुर्ग होते हैं वो अम्मा नींद खराब कर रही है गोली खिला दो सुला दो इवन उसमें कहीं कहीं डॉक्टरों का भी है उसमें जैसे दिल के डॉक्टर ने बोला अच्छा ये गोली भी खा लें कि भाई नींद की गोली खा ले हालांकि उसका ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं होता मगर वो बस खा के सो जाती है सो जाए हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इसको एड्रेस हाँ। करना चाहिए अच्छा यहाँ मैं डॉक्टर मेरा आपसे पूछना चाहूंगी फॉर एग्जांपल अगर हम नींद की बात करें क्योंकि एक कॉमन चीज है जो खवातीन में होती है और डिप्रेशन की भी बात करें तो दोनों के लिए कोई ऐसी चीज है जो आप से मिल सकती है अगर लोग शर्माएं घबराएं कि हमें डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास हमें नहीं जाना मतलब छुप के भी नहीं जा सकते वो खुद अपने आप से ही और फिर जाना एक ट्रेंड है ना यहाँ पे बना हुआ जाना भी मुश्किल होता है फिर छोटी सी बात करूंगी फिर बताती हूँ कि जैसे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से डिप्रेशन होता है और जो एक आम कहना चाहिए मिडिल क्लास या आम लोगों में जो डिप्रेशन है वो अल्लाह की तकसीम पे राजी ना रहने की वजह से होता है उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है वो कमी जो है वो डिप्रेस कर देता है उसके घर फ्रिज आ गया मेरे पास नहीं आया उसका अच्छा है मेरा नहीं है तो मुझे जेवर नहीं दिलाया ये चीज मतलब हम जो फील करते हैं हमारे पास जो खवातीन आती है ये चीज उनको बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देती है बाकायदा पेशेंट बैठे हुए रो रहे होते हैं और कुछ भी नहीं होता उनको भी नहीं होता है उसके लिए मैं बताऊं बड़ी अच्छी सी चीज है और बहुत ही आसान सी घर में मौजूद होती है कि दवाएं तो हम लोग दे रहे होते हैं इलायची हम हर घर में मौजूद होती जी। है एक कप पानी ले उसमें 3 अदद इलायची डाल दे ठीक है खोल के डाल दी हमने हाँ। और इसके बाद जो है ये जो है बाल छड़ नॉर्मली आपने देखा होगा बालों में उसमें तेलों में डालते हैं लेकिन ये सुकून के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है अच्छा ये तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है इसका बालछर डालेंगे ठीक है और एक छोटा सा टुकड़ा जो है मुलैठी का
बस इसका आपने बनाना है कहवा। हाँ। ये कहवा मतलब पका के चाय सी बन जाएगी और दिन में 2 कप पी लें आप, बिल्कुल पुरसकून हो जाएंगे। जो एक बेचैनी होती है, आप एक अजीब सी घबराहट का शिकार होते हैं, वो अगर ये आप कहवा पीते हैं, चाय बना के पीते हैं, तो आपको जो है सुकून रहेगा, ठीक है, और डिप्रेशन के कैफियत से निकलेंगे। और वो लोग जो मूड स्विंग्स का शिकार होते हैं, जिसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो वो केमिकल की वजह से जो हो रहा है, वो मैग्नीशियम का इस्तेमाल बढ़ाते हैं। रोजाना 300 mg जो है मैग्नीशियम किसी भी फॉर्म में लेना शुरू कर दें, चाहे उसके सैशे ले लें, टैबलेट्स ले लें, तो उनके मूड स्विंग्स जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं, या बेरीज खाना शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा ये तो हम इस तरह से बनाएंगे, ये डिप्रेशन के लिए। अब जैसे बात की डॉक्टर साहब ने, ये बिल्कुल सही है, दवाएं जो इस्तेमाल करते हैं नींद के टैबलेट्स खा रहे हैं, और वो कह रहे होते हैं कि जी हमें नींद, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, ये आपने कहा ये डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन के लिए ये पानी इतना ही पकाना है ज्यादा नहीं, इसको बस 1 कप पका के कहवा बनाते हैं, अच्छा, खूब बॉयल करके और उस पर छान के उसको पी लेना। अगर इलायची, बालझड़ और मुलैठी, बस 3 चीज, बस चाहे तो शहद मिला सकते हैं, चाहे तो शहद मिला, ठीक है, ये हो गया। और आप दूसरा किसका बताएं? नींद की कमी, जो बेख्वाबी का शिकार है, या वो लोग जो चाह रहे हैं कि वो दवाएं खाने का शिकार वो आदि हो गए, उन दवाओं से बचने के लिए बड़ी आसान सी चीज है, ये है लेमन ग्रास। अच्छा ठीक है, वो भी 1 कप आपने लिया, इसमें तकरीबन थोड़ा सा लेमन ग्रास डाला, ये है बिल्ली लोटन के नाम से। क्या? बिल्ली लोटन, बिल्ली लेमन, लेमन बाम कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको बिल्ली लोटन, अच्छा, कहते हैं। इसकी खुशबू बिल्ली बड़ी आशिक होती है, ठीक है, ये तकरीबन इतना सा डाला, और जरा सी हम डालेंगे तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते 1/2 टीस्पून, ठीक है, ठीक। अच्छा ये आपने पी लेना है 7:30-8 बजे के करीब, बना के आप बहुत पुरसकून और अच्छी नींद आपको आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी आप रोजाना पीना शुरू कर दो। हाँ। तो जो लोग दवाएं खा रहे हैं, टेबलेट्स खा रहे हैं नींद की वजह से, नींद, हाँ, की कमी का जो शिकार है, वो इसको पीना शुरू करेंगे तो उनको नींद की दवाओं की जरूरत रहेगी नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, और वो कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि नींद की, डॉक्टर साहब नींद की दवाइयां जो मुस्तकिल खा रहे होते हैं सारी जिंदगी, वो इन दी एंड उनका मेमोरी लॉस का सिस्टम जो शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही कह रही है ना, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, उसके बगैर नींद आती भी नहीं। हाँ। नींद की दवाइयाँ और डिप्रेशन की दवाइयों में फर्क है, अच्छा, ठीक है, डिप्रेशन की दवाइयाँ अलग होती हैं, नींद की दवाइयाँ जो बात की वो अलग। डॉक्टर साहब आप कोई दवाई लाए, ये हो गया ना आपका? हाँ, बिल्कुल। अच्छा आप कोई दवाई लाए डिप्रेशन की? हाँ। कोई ऐसे है आपके पास जो आप दिखाना? दवाइयाँ बहुत सारी है। हाँ। इसमें जाहिर है अब ये मुख्तलिफ कंपनीज की है, लेकिन कंसल्टेशन के बगैर इस्तेमाल ना करें, आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा ना आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास चल जाएं जो नींद की दवाइयां उठा के कहेगी ये डिप्रेशन की दवाई है, क्योंकि गली मोहल्लों के डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं लोग, तो सही आप डॉक्टर से कंसर्न करें, दिखा दें आप। हाँ। कौन सी दवाई है? नहीं, असल में ये वो दवाइयां हैं जो क्योंकि मुख्तलिफ कंपनी की हैं, अच्छा, तो अच्छा, दूसरे नाराज ना हो जाए, मतलब अच्छा नहीं होता कि वो, आप पता निकाल लें, पता निकाल लें ताकि गोली नजर आ जाए। इसमें असल में कुछ फार्मूले होते हैं जी जी, जिसका मैं नाम अगर बता दूं तो ज्यादा बेहतर, जैसे फ्लोक्सिटीन है, अच्छा ठीक है, फ्लोक्सिटीन एक बहुत, ठीक है, नहीं वो कलर दिखा दें। हाँ। कलर डिफरेंट कलर्स में आती हैं, कंपनी मुख्तलिफ कलर बनाती हैं, मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, कोई जैसे ये ट्रायंगुलर है, कोई ओवल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जस्ट शेप होती है, असल उसके अंदर केमिकल होता है, ठीक है, ठीक है, फ्लोक्सिटीन है, सिटेलोप्राम है, ईसिटेलोप्राम है, फ्लुवोक्सामीन है, बहुत एक लंबी लिस्ट है, अच्छा, और मगर एक एक जिसका मैंने नाम लिया उसकी कोई 10-10 कंपनियां मुख्तलिफ नामों से बनाते, अच्छा, एक तो होता है केमिकल नेम। अब आप लोगों को देखते होंगे उनके हिसाब से आप उनको फिर रेकमेंड करते होंगे कि आपको ये दवाई देनी है, आपको ये देनी है, ये देनी है ना। बल्कि बड़ा आपने अच्छा सवाल किया कि जैसे जनरली कहा यह जाता है रिसर्च है कि 3 केमिकल हैं, सेरोटोनिन, कैटेकोलामाइन, डोपामिन, अच्छा 3 केमिकल हैं जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये डिप्रेसिव सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, डिप्रेशन, जिसको हम बीमारी, डिप्रेशन कैफियत की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अब ये है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो 1 केमिकल वाली दवाई से ठीक हो जाते हैं, सेरोटोनिन वाली, कुछ ऐसे होते हैं जो जिसमें नॉरएड्रेनालिन है, जरा टेक्निकल वर्ड है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप क्या ब्लड टेस्ट लेते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि इसमें ये चीज की कमी है? हाँ, ये अभी 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 फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं, अच्छा, है, दुनिया में आ चुकी है। तो आप क्या जायजा लेते हैं, बंदे से बात करके? सिम्टम क्या हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे सुसाइडल पेशेंट होते हैं तो उसमें हम समझते हैं कि इसमें सेरोटोनिन की कमी हो सकती है, ओके, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो मैदे की दवाइयां खा रहे होते हैं, बल्कि अभी मुझे याद आ गया, बहुत सारे मरीज जो मैदे की दवाइयां खा रहे होते हैं असल में उनको मैदे की बीमारी नहीं होती, वो डिप्रेशन ही होता है, जिसकी वजह से वो कोई कहता है मुझे अल्सर है, कोई कहता है मुझे पेट में तकलीफ है, उनको होता है डिप्रेशन है मगर फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं, अच्छा, बल्कि
हमारे कल्चर में जैसे वेस्ट में तो आता है आई एम फीलिंग डिप्रेस, आई एम फीलिंग सैड, आई नीड हेल्प. हमारे यहाँ मेरे जिस्म में दर्द है, कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, इस तरह की. घर जाओ तो औरतें पट्टी बांध के, दुपट्टा बांध के सर पे घूम रही होती है, मेरे सर में दर्द है. ठीक, ये बड़ा बड़ा कॉमन होता था, अब पता नहीं अब भी होता है. होता नानी दादी के जमाने में तो होता होगा. जहाँ लिफ्ट नहीं कराते ना घर की औरतों को, तो बेचारी वो इसी तरह लिफ्ट लेती है कि मेरे मैं बीमार बीमार. अब देखिए नॉर्मली यही होता है. अच्छा, और क्या सिम्टम्स आप कह रहे होते हैं? और सिम्टम्स जैसे इसी तरह आप जायजा लेते हैं, आपके पास पेशेंट ज्यादा मर्द आते हैं या औरतें आती हैं? दोनों ही आते हैं. दोनों आते हैं, दोनों ही. और बच्चे भी लाते हैं? कोई बच्चे भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं बच्चे भी. अच्छा, बच्चों में जो छोटे बच्चे भी होते हैं, इवन जो है अगर 5-6 साल में डिप्रेशन कैसे पता चलेगा कि हाँ उदास, जैसे अगर स्कूल गोइंग बच्चा है हाँ, तो सडनली उसकी परफॉर्मेंस कम हो गई, वो स्कूल जाने से मना कर रहा है, या खाने पीने में उसका इंटरेस्ट कम हो गया, उसको नींद सही नहीं आती, ये सिम्टम्स होते हैं. और अच्छा, जाहिर है जब ये सिम्टम्स होते हैं तो से फॉर एग्जांपल सर दर्द एक बड़ा कॉमन सिम्टम है. तो सर दर्द में डिप्रेशन में भी होता है, मगर और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो हमें उसको देखना होता है. जैसे बड़ों की बात करें अभी, तो सर दर्द की वजूहत में नाक की हड्डी अगर हो, आँख का बहुत कॉमन मसला है बच्चों में, पता ही नहीं होता, नजर कमजोर हो गई, आंखें कमजोर है, उसको सर में दर्द, उसके सर में दर्द तो साइकेट्रिस्ट के पास लेके देखिए हमारा बच्चा तो क्या हो गया. तो उसको वो पहले हमने देखिए आपको यही एक्चुअली आज का प्रोग्राम करने का मकसद यही है, जो जड़ है उसको पकड़िए, इधर उधर 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 की चीजों को ना पकड़िए, जो जड़ है एक्चुअली उसको पकड़िए. और अगर आपको लगता है कि बाकी कोई प्रॉब्लम दिमाग की है, तो शर्माए ना साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए. मुझे एक लोगों को ये भी फर्क बताना है, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाने में क्या फर्क है. सही, बल्कि मैं खुद सोच रहा था आने से पहले कि ये लोगों को बताया जाए. हाँ, साइकेट्रिस्ट जो है वो डॉक्टर्स होते हैं, सिंपल जी, MBBS डॉक्टर, उसके बाद वो साइकेट्री एक फील्ड है, उसमें आता है वो साइकेट्रिस्ट होता है. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जरूरी नहीं है वो डॉक्टर हो. अच्छा, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में इंटर के बाद जो है वो BSc साइकोलॉजी, MSc साइकोलॉजी, इस तरह होता है. ओके, उनका डॉक्टरी से कोई ताल्लुक नहीं होता. अच्छा, या नॉट MBBS, यानी कि वो दवा नहीं दे सकते, दवा नहीं दे सकते, थेरेपी कर सकते हैं, साइकोथेरेपी बिल्कुल कर सकते हैं अंडर द एडवाइज ऑफ साइकेट्रिस्ट. अच्छा, ओके, अब मुझे समझ आ गई, आपको भी समझ आ गई होगी. तो जहाँ साइकेट्रिस्ट लिखा है, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें आपको लगता है दवाई से वो मसला हल हो सकता है, तो जाइए आप साइकेट्रिस्ट के पास. और अगर आपको लगता है कि खाली अगर अपने दिल के पपोले फोड़ के सुकून आ जाएगा, तो आप मुझे भी फोन कर लेती हैं कभी कभी, तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए. एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आइए, चलते हैं एक और मुसीबत की तरफ जो हमारी जिंदगियों के साथ जुड़ी हुई है. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. कितनी आसानी से कोई कह देता है ना कि तुम इतनी मोटी हो गई हो, एक्सरसाइज क्यों नहीं करती हो. उनको क्या पता कितनी दफा जॉगर चढ़ाए, कितनी दफा अपने साइज का जिम सूट खरीद के लाए, मगर जब एक्सरसाइज शुरू की, कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कहीं दर्द. इसका मतलब कोई ऐसी चीज हो रही है हमारे साथ कि हमें डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा. और किससे? हड्डियों के डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से. तो अगर आप अभी तक नहीं गए उनसे मिलने, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका वजन भी बढ़ रहा है, आपकी हड्डियों में दर्द भी हो रहा है. तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ डॉक्टर परवेज अंजुम से, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक. ज्यादातर, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, ज्यादातर खवातीन में देखा गया है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे हम कहते हैं हड्डियों का भुरभुरापन, यानी कि आपकी एक सर्टेन एज पे या प्री मेच्योर एज पे, पहले ही बुढ़ापे से पहले ही आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाते हैं. अब सबसे पहले तो ये बताइए कि किस एज से ये भुरभुरापन शुरू होता है? हड्डियों का जो भुरभुरापन है, हाँ, ये जनरली सेक्स की बात करें तो औरतों में ज्यादा होता है. अच्छा, और तहकीक से ये पता चला कि हर 10 औरत पे एक मर्द को. जहाँ तक एज का ताल्लुक है, जनरली ये कहलाता है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस. अच्छा, पोस्ट मेनोपॉजल से मतलब पीरियड खत्म होने के बाद. उसकी वजह क्या है?
پیریڈ جو ہوتے ہیں عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے, نعمت ہے, جس کی وجہ سے اس میں کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جی جی جو جسم کے لیے ضروری ہیں, اچھا, اور خاص طور پر ہڈیوں کے لیے ضروری ہیں, اچھا, اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہڈیاں کمزور ہونے سے جاتی ہیں, بھر بھرا پن جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ہڈیوں کا کمزور ہونا ہے, اچھا, جس طرح لکڑی کو دیمک لگ جاتی ہے اس سے ہڈیوں کو دیمک لگنا شروع ہو جاتی ہے. اوکے, آسٹیو کے مطلب آسٹیوپوروسس کہتے ہیں اس کو انگلش میں. جی جی, آج کل ہر جس کو مریض کو دیکھو وہ جا کے پھر نیٹ پہ سرچ کرتا ہے یہ ہے کیا, ہم سے آئے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے نیٹ پہ دیکھا تھا یہ اس کا علاج ہے. یہ آسٹیو کے مطلب ہوتے ہیں بون, اچھا, پوروسس کے مطلب ہوتا ہے خلا, ہڈیوں میں خلا پیدا ہو جانا, ہڈیوں کو دیمک کھا جانا, جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے ہڈیوں کو. اوکے, اچھا دیکھیں کیا یہ چیز جوانی میں بھی ہو سکتی ہے لڑکیوں کو؟ بالکل ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اگر انسان کمزور ہو, ہڈیاں اس کی کمزور ہوں, اچھا, تو ہونے کے چانسز ہیں. پھر کچھ دوائیاں ہیں جو میں خاص طور پر بتانا چاہوں گا. جی جی جی, ایک ہم کہتے ہیں اسٹیرائڈ کورٹیزون, جی جی جی, جو عام ڈاکٹر یا میں برا نہ مانے تو کہوں کچھ حکیم حضرات اور جو کوئکس ہیں ہمارے جو ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں, ڈاکٹر کا بورڈ لائے گا, وہ جنرلی یہ دوا دیتے ہیں. وہ میں بتا رہا ہوں, وہ میں اپنے عام خواتین کو اور ناظرین کو بتانا چاہوں گا, اس کی پہچان بہت آسان ہے. اچھا, وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے, چاول کے دانے کی طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی سی ہوتی ہے. وہ اگر وہ دیتے کیوں ہیں, وہ ایک میجک ڈرگ ہے. اچھا, یہ میجک ڈرگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی بیماری ہے, مطلب کہ وہ ہر بیماری, ہر بیماری کی اس میں وقتی فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہیں. اچھا, اور اس لیے ہم لوگ ایلوپیتھک اس کو کہتے ہیں لائف سیونگ ڈرگ. لائف سیونگ, جب جان جا رہی ہو تو اس پر سائڈ افیکٹ نہیں دیکھتے. وہ بلڈ پریشر, شوگر, جنرلی نہیں, بلڈ پریشر تو بڑھ جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے اس سے, تو ان کی سائڈ افیکٹ بہت ہیں. اچھا, اس کا ایک سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ ہڈیوں کو میں آسٹیوپوروسس کرتا ہے. تو اس طرح ایج کے ساتھ بہت سی اور وجوہات بھی ہیں جس سے وقت سے پہلے آسٹیوپوروسس ہو سکتی ہے. اوکے, اچھا, الرجی, استھما وغیرہ میں بہت دیا جاتا ہے نا, پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو ڈاکٹر دے رہے ہیں آپ. نہیں, وہ تو بعض بیماریوں میں ضروری بھی ہوتا ہے دینا. اوکے, اگر کسی کو الرجی ہے تو وہ اس کی دوا وہی کورٹیزون ہے. اچھا, کیونکہ کسی کی آنکھ کی بینائی ختم ہو رہی ہے تو اس کو لائف لانگ کھانا ہوتا ہے, لیکن وہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ہے تو مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا اچھا, کیا ایسا کریں, فرض کریں جیسے ہماری بیٹیاں اب گرو کر رہی ہیں, ہم ان کی غذا میں ایسی چیز رکھے کہ ان کو وہ والی چیز نہ ہو جو ماں کو ہو رہی ہے, ہڈیوں میں بھر بھرا پن وغیرہ یہ سب نہ ہو. اب جیسے میری بیٹی 13 کی ہے, ان کی بیٹی بھی ینگ ہے, ہماری بچیاں ابھی مطلب ٹین ایج ہے, اور ابھی سے شکایت کرتی ہیں امی میرے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے, کمر میں. میں نے کہا ہیں, اتنی سی عمر میں تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا تھا, تو ہم ایسا کیا کریں ان کے لیے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جی, ان کو آسٹیوپوروسس تو نہیں ہے, یہ آپ کو بتا دوں, بالکل, لیکن جو کہتے ہیں نا کہ پہلے کا کھایا پیا کام آتا ہے, وہ اس بیماری کے لیے بالکل صادق آتے ہیں. اچھا, آپ نے اپنے بچوں کو جس طرح کی ڈائٹ دی ہے بچپن میں, وہ بڑھاپے میں جا کے کام آتی ہے. مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ ان کو کوشش کریں, جو آج کل ایک فیشن ہو گیا کہ جنک فوڈ کھانا, دودھ سے لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے, اسمیل اچھی نہیں لگتی اسپیشلی لڑکیوں کو, تو اس بات کو خاص خیال رکھیں کہ ڈیری پروڈکٹس جو ہیں, دودھ, دہی, پنیر, ان چیزوں کا استعمال ضرور کریں. میں تو اپنے بچے کو مار مار کے کھلاتی ہوں, دودھ نہیں پیتی, بدبو آ رہی ہے, یہ آ رہا, وہ یہ کر رہی ہے, بہت اچھا, کھاؤ سر پہ پیو, بہت اچھا, بہت ضروری ہے. میں اس سلسلے میں ایک چیز بتا دوں, بہت ضروری ہے کہ ہڈیوں کا 3 فیز ہوتے ہیں بننے کے. اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ہڈیاں دی ہیں اس میں پہلے 30 سال ہڈیاں بنتی زیادہ ہیں, اندر ٹوٹتی کم ہیں. اچھا, 30 سے لے کے 50 سال تک دونوں کا عمل برابر ہوتا ہے, ہڈیاں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں, تو عمل چل رہا ہوتا ہے. لیکن عورتوں میں 50 سال اور مردوں میں 65 سال کے بعد ہڈیوں کو ٹوٹنے کا عمل زیادہ ہوتا ہے, جس کو آپ آسٹیوپوروسس کہتے ہیں, بننے کا عمل کم ہوتا ہے. تو جو آپ نے ہڈی بنا لی, دیکھیں ہر کسی کو تو آسٹیوپوروسس نہیں ہوتا, بالکل. اب مجھے آپ یہ بتائیں, جس کو نہیں ہوتا ہے کیا اس نے کیا کیا ہوتا ہے ایسا کہ اس کو نہیں ہوا؟ 3 بیسک چیزیں ہیں جو عام لوگوں کو خیال کرنا چاہیے, ڈائٹ, ایکسرسائز, اور اسی سلسلے میں کہتا ہوں اپنا وزن کم رکھے. اوکے, اچھا, آپ کے پاس جو آسٹیوپوروسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں,
उनके वजन भी बढ़े हुए बड़े होते हैं, वजन बढ़े होते हैं, अपना वजन का ख्याल नहीं रखते वो, या किसी वजह से बढ़ गया, फिर डाइट उनकी सही नहीं होती है। और सबसे बड़ी जो वजह आजकल है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करते, पैदल नहीं चलते। मैं दूध नहीं पीती, मुझे सीरियसली बचपन से आदत है, और मेरी अम्मी ने चपेड़े मार मार के भी नहीं पिलाया, तो जब बच्चे होने वाले थे उनको दूध पिलाना था, मजबूरी में मैंने डब्बे वाले जो दूध होते हैं वो पिए, अब नहीं मैं पीती कि हाय मैं मोटी हो जाऊंगी। तो क्या मैं सप्लीमेंट ले सकती हूँ कैल्शियम का उसकी जगह, दूध की जगह? मेरी जैसी और बहुत सारी खवातीन है जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो बिल्कुल सही। सप्लीमेंट कैल्शियम के लिए ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैल्शियम की जाती से बहुत सारी और बीमारियां भी होती हैं, उनमें सरे फेरिस जो है वो किडनी के स्टोन, इसलिए मैं लोगों को यही कहूंगा कि बिला जरूरत ही अपनी मर्जी से कैल्शियम, बहुत कॉमन जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही, तो मरीज आता है हमारे पास साहब मैं तो कैल्शियम भी ले रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ मगर मुझे फिर भी दर्द हो रहा है, तो सिर्फ कैल्शियम की कमी से दर्द नहीं। अच्छा आप फर्ज करें दूध नहीं पी सकते, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ दूध नहीं पीते, तो कैल्शियम और हमें कहाँ मिलेगा हम, और क्या उसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या ले लें? दही ले लें, चीज ले लें, पनीर ले लें, डेयरी प्रोडक्ट्स कोई भी हो वो फायदेमंद होती है। अच्छा धूप में बैठने को भी कहते हैं विटामिन डी की कमी, विटामिन डी का भी ताल्लुक कहीं इससे कहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा चूली दामन का साथ है, चूली दामन का। अच्छा अच्छा, विटामिन डी जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है बदन में। अच्छा, आप हमारे बदन में जितना भी कैल्शियम है, एक्चुअली ट्रक ड्राइवर वही होता है जी, है ना, कंट्रोल वही करता है, जितना भी कैल्शियम ले लें हम, अगर विटामिन डी की कमी है तो वो हमारे जिस्म को काम नहीं आएगा, वो खारिज हो जाएगा। विटामिन डी की इत्तेदाल पसंद होना बहुत जरूरी है, और आजकल देखा यह गया है कि हमारे माशरे में वैसे एशियंस में विटामिन डी की बड़ी कमी। अरे भाई बहुत कहते तीन में से एक हर औरत को होता है विटामिन डी की कमी, जी, है ना? उसको तो खैर रिकेट्स कहते हैं बचपन में, बचपन में जो आप बता रही थी उसको रिकेट्स कहते हैं विटामिन डी की कमी। विटामिन डी का सबसे अच्छा जरिया जो है वो सनलाइट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मुझे लगता है मेरे घुटनों में दर्द है, मैं जाके विटामिन डी के इंजेक्शन लगा लेती हूँ बगैर टेस्ट किए, तो मैं गलत करती हूँ ना? ज्यादती हो गई तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल गलत है, हाँ ज्यादती की अपनी अलामत है, उसमें बहुत सारी टॉक्सिंस बढ़ जाएंगे, बढ़ जाते हैं, जिस अगर आप टेस्ट कराएं, बाद लोग कराते हैं तो 30 होने चाहिए। अच्छा 30-50, और अगर 30 से कम आए, 30 से जनरली कम होता है, हाँ, तो उसके लिए हम विटामिन डी के थ्री के इंजेक्शन, जिस तरह हमें यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरह के इंजेक्शन आते हैं। अच्छा पीना और लगाना सेम है? नहीं सेम नहीं, इसे इंजेक्शन आते हैं जो एक्चुअली लगाने के ही होते हैं। अच्छा अगर लगाने से आपको 90% फायदा होगा तो पीने से आपको 60% फायदा होगा, लेकिन बहुत सी खातीन और बहुत से मर्द भी इंजेक्शन से अवॉइड करते हैं, तो वो पी लें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, तो मतलब लाइक तीन अगर फर्ज करें लेने हैं तो एक एक हफ्ते में लेना है, महीने में लेना है, कब कब लें? बहुत अच्छा सवाल किया, ये भी बड़ा कॉमन है। जी हाँ, लोग कहते हैं हर हफ्ते, ये कम से कम 15 दिन से पहले तो लेना नहीं चाहिए। ओके देखिए जरा, एक डॉक्टर ने कहा यासिर को, उसका 8 था जी विटामिन डी, जी कोई तो उन्होंने कहा आप हर हफ्ते पी लें। जी इसका असर जिसम में देखिए ना, अगर एक चीज आप, मैंने खाने सुबह नाश्ता किया, अब वो पेट मेरा भरा हुआ, मैं लंच करूंगा, अगर बीच में मैं 10 बजे भी खा लूं तो क्या बदहजमी हो जाएगी? सही। इसी तरह विटामिन डी को, वो बॉडी में मौजूद है आपकी। अच्छा। उसका फंक्शन हो रहा है, हाँ। वो अपना काम कर रहा, फिर आपने दोबारा ले लिया, वो जाया गया, तो 15 दिन पहले मिनिमम, मिनिमम बेहतर ये है कि महीने में एक दफा, महीने में एक दफा ये ज्यादा बेहतर। और तीन के कोर्सेज होते हैं अमूमन, तीन के कोर्स, तीन में अमूमन जो भी, अगर 4 भी है, 8 भी है, 10 भी है, हाँ। वो 30-40 हो जाता है। सही सही। अच्छा अब वैसे मतलब लाइक एशिया में तो इतनी धूप होती है जी, फिर भी जी, फिर भी ये हार्मोनल है जी, हाँ, जी हार्मोनल बैलेंस। कौन सी धूप बेस्ट रहती है इस विटामिन डी के बढ़ावे के लिए? उमन सुबह की धूप अच्छी, जैसे फॉर एग्जांपल 10-12 के दरमियान, 10-12 के दरमियान वॉक पे चले जाए उस वक्त, या खिड़की में बैठ के धूप ले, थोड़ी देर बैठ के, चेहरे पे धूप ना पड़े, हाँ, बैक से आए, हाँ, कोई आप अखबार पढ़ रहे हैं, कलाम पाक पढ़ रहे हैं, कोई एक्टिविटी करते रहे, तकरीबन कितनी देर बैठे? 15 मिनट से लेके कहते हैं 30 मिनट तक अगर बैठा। अच्छा। हर रोज बैठता, हाँ, जैसे बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है ना, वो बेचारे घर में ही रहते हैं, बिस्तरों पे से उठते नहीं है, अंग्रेजों को मिलता नहीं दो तो सेंटाइन लेते हैं, ये देखें जरा, हाँ, इसकी वजह यही है, यही। मैं बिल्कुल डॉक्टर उम्मे राहील आपके पास आना चाह रही हूँ, आप क्या क्या बताएंगे हड्डियों के भुरभुरेपन के लिए, आपके पास क्या ऐसी चीज है जो हम? बहुत ही आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है, ये है सफेद मोसली, इसमें एक बड़ा चमचा, ये हकीम वो नहीं है जो काट,
सफेद मूसली लेना है बड़ा चमचा और इसमें सफेद तिल लेंगे, ये बेस्ट सोर्स किस लिए बता रही हैं? कैल्शियम के लिए, हड्डियों के भुरभुरेपन के लिए कैल्शियम की सोर्स है, और विटामिन डी के लिए मूसली सफेद दिया जाता है। अच्छा अच्छा, अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। जैसे बड़ा चमचा लिया, तिल हो गया और ये मूसली सफेद मूसली, सफेद मूसली ठीक। अच्छा, तिल की मिकदार हमने कम रखनी है, अभी तो खैर मौसम चेंज हो रहा है लेकिन ये गर्म होता है तो बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे। जैसे अगर आधा हिस्सा रखेंगे, बड़ा चमचा वो लिया और छोटा चमचा ये। अच्छा, इन दोनों को जो है हमने भून लेना है। अच्छा, इसको ज्यादा बना के रख सकते हैं। हाँ। आपने अच्छी तरह से इसको भूना, भूनने के बाद करना क्या है कि 1 टीस्पून इस मिकदार में 1 कप अगर नहीं पी रहे तो आधा कप दूध लेके उसके साथ मिक्स करके सुबह और शाम पीना है। ठीक है, ये रेगुलर ले सकते हैं और हर एज में ले सकते हैं। अगर दूध नहीं पिया जा रहा तो दही में मिला के इसको खाना है रोजाना दिन में 1 बार। ठीक है, तो विटामिन डी की जो कमी है इंशाल्लाह वो भी सही होती है, और हड्डियों का जो भुरभुरापन है, कमजोरी है, कैल्शियम की कमी है, वो सब जो है इससे बहुत जल्दी सही हो जाती है। और बच्चियों को देना जरूरी है ये। ओके, मतलब यंग एज से, बिल्कुल छोटी, मतलब 12-13 साल की उम्र से भी अगर आप दे रहे हैं जो बच्चे, बना के रख दें, बना के रख किसके साथ दें, जैसे दूध के साथ या दही के साथ? दही के साथ। अच्छा, इससे किडनी में आपके जो है स्टोन्स की फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टोन्स नहीं बनेंगे, कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई ऐसा नहीं कि इसकी मिकदार बढ़ जाए तो खुदा ना खास्ता नुकसान, कोई प्रॉब्लम, लड़कियों के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, और कोई चीज बताना चाहिए? बस ये दो चीज है, इसके लिए हड्डियों के लिए तो बेस्ट है, बेस्ट है। बिल्कुल, हड्डियों के लिए मैं पूछना चाहती थी ब्रेक पे जाने से पहले, कौन कौन सी और गिजा है जो बहुत मुफीद है जो हम अपने खाने में रखें? जैसे आपने दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स तो कहा, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कोई दालें, मीट, कौन सी ऐसी है जो इस चीज के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए बेस्ट है? हड्डियों के लिए सबसे अच्छी चीज होती है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स यानी शिमला मिर्च हो गई, हरी मिर्ची हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स, अपनी पालक हो गई, साग, और जो मौसम के फल होते हैं ना। अच्छा, मौसम के फल, वो तो हरे होना जरूरी नहीं है ना? नहीं, वो जरूरी नहीं है। हाँ। वही मैंने मौसम के फल कहे। हाँ। तो जो मौसमी फल इस्तेमाल करें, जैसे आजकल अनार आया हुआ है, मीठे हैं वो, अमर फल है जी, हम लोग जिसे कहते हैं। हाँ। इन चीजों से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अच्छा। केला बहुत अच्छी चीज है, पोटेशियम जी। केला तो पूरे साल ही होता है, साल ही होता है। तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल अगर करें, और सबसे अच्छी गजा क्या है, वॉक, एक्सरसाइज। अच्छा, दिस इज द बेस्ट डाइट फॉर कैल्शियम और विटामिन डी और एनीथिंग। अरे भाई, बहुत सारे लोग कहेंगे हम वॉक का करें, हमारा तो छोटा सा फ्लैट है, टीवी लगाएं या गाना लगाएं, लेजली वॉक आजकल आई हुई है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो लेजली वॉक शुरू कर दें, मतलब आधे घंटे तक पता नहीं कितने माइल्स चलना होता है, वही कर दें घर में, सीरियसली एक कमरे में चलते रहे। हाँ, कमरे में चलते रहे, पे घर छोटा है, कोई मसला नहीं घर में। मगर अच्छा, औरतों का कहना यह था कि मैं दिन भर चलती हूँ, किचन में खड़ी होती हूँ, वो चलना चलना नहीं ना, वो अच्छी चीज है। लेकिन दैट इज नॉट वॉक। वॉक ये होता है कि बगैर रुके आप एक ब्रिस्क वॉक करें। हाँ। बहुत आहिस्ता भी नहीं, बहुत तेज भी, बगैर रुके। हाँ। एक खास टाइम पीरियड के लिए, और जरूरी नहीं कि आप आधे घंटे करें। हाँ। अगर आपको दर्द, जैसे आपने कहा कि कमरे में दर्द हो जाता है, यहाँ दर्द, आपने सही बात की, तो वो अपने मुताबिक करें। ज्यादा सोती हूँ ना, या मैं ज्यादा लेटती हूँ तो मेरे उल्टा कमर में दर्द, मुझे आदत नहीं है, मैं 6 घंटे से ज्यादा सो नहीं सकती, कहीं किसी दिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ तो 8 घंटे सो गई तो मेरी कमर में दर्द हो जाता है, मुझे आदत नहीं है। मैं मॉडल्स लाया था, अगर आप इजाजत दें तो मैं बिल्कुल आप दिखा दूं। ये जो कमर का दर्द कहा आपने। हाँ। ये कमर का जनरली ज्यादातर कमर का ही दर्द होता है। अच्छा। हड्डियां है ना हमारी। हाँ। ये है मोहरे कहते हैं इसको। ठीक है, और ये बीच में अल्लाह ताला ने एक शॉक अब्जॉर्बर दिया है। ठीक है। हाँ। ये उम्र के हिसाब से शौक इतना मोटा है ना। हाँ। ये पतला होता जाता है, ये खत्म हो जाता है। अच्छा। तो हड्डियां आपस में टकराती हैं। ठीक है। हाँ। और फिर ये इसमें अगर खला हो जाए, जैसे ये देखिए ये खला है यहाँ पे, तो हाँ, दो खला, ये ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। जब खला हो जाता है तो हड्डियाँ कमजोर जाती हैं, और जब भी कमर का दर्द होता है, और जब दर्द होता है, ये देखिए साइड से नसें दे रही हैं अल्लाह ताला ने मूवमेंट के लिए, चलने फिरने के लिए नसें दी हैं, और इन पे दबाव पड़ता है, इन पे दबाव पड़ता है। जब ये आप कहते हैं कि पैरों में दर्द हो रहा है, क्रैम्स हो रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, एक तो सबसे पहला सवाल है, मसाज से सुकून मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। ये तो पतले हो गए हैं तो मसाज से मोटे तो नहीं होंगे? इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप सवाल ऐसे करें कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। हाँ। ये एक चार्ट है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। अब इसमें ये जो हड्डियां हैं। हाँ। इसके ऊपर देखिए लाल लाल हैं। जी, जी, ये जी, मसल्स हैं। ये मसल्स हैं। ये पट्टे हैं हमारे कोश, इसके साथ खून की नालियां हैं। तो जब ये इनमें खराबी होती है तो बिल्डिंग ब्लॉक है ना। हाँ, हाँ, बोन। हाँ। तो फिर ये मसल्स
रोते हैं, इनमें दर्द शुरू होता है, इनको ग्रिप नहीं मिलती है, करने के लिए मसाज होती है तो सुकून मिलता है। हड्डियों में इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ आप टेम्पररी सुकून, ये मसल्स की जो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है उससे फायदा होता है। अच्छा, ये सवाल एक रह गया कि जैसे आपने कहा उम्र के साथ साथ ये पतले होते जा रहे हैं, इसको ऐसा नहीं हो सकता कि हम मोटा कुछ खा पी के रखें, वो क्या है? वो यही बताया जो आपने सवाल किया, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से ये रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे। आप देखिए जो शख्स एक्सरसाइज करता है, जिसकी डाइट अच्छी, आप हमारे दादा को देख लें, अपने दादा को, नाना को, उनकी 80 साल 90 साल उम्र क्यों थी, आज क्यों नहीं है? आज तो बैठ के हम कमरे में यूं कर रहे होते हैं, जी 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 जी, बाहर वॉक नहीं करते, हर वक्त मोबाइल में लिया, जो बताई है ना चीज, उससे तो एक्सरसाइज फर्ज हो गई है, फर्ज है बिल्कुल, हर एज पे बच्चे वॉक कर, बच्चे खेलने नहीं जाते मैदान में, बैठ के कंप्यूटर में बैठे हुए, तो फिर बचपन में ही पतली हो जाएगी चीज। ये है प्रॉब्लम जो मैं लोगों का था, अपने बच्चों को बाहर भेजें, बच्चों को बाहर भेजें, मैदान में जाएं। हमारे यहाँ पहले तरीका था कि असर की नमाज हो और बच्चे बाहर मैदान में खेलने चले जाते, सही बात है, मगरिब पे आते थे, अब खैर मैदान भी नहीं है, लेकिन बैरल जाएं, रोड पे जाएं, कहीं भी खेलें, वो कुछ कोई और एक्टिविटी जरूर करें। अच्छा पता है डॉक्टर साहब, मैंने तो अपने बेटा, मेरा छोटा है 4 साल का, मैं उसको अभी से जिमनास्टिक्स में लगा दूँ, बहुत अच्छा है, ताकि उसको बचपन से ही आदत होगी, फरीद जो है उसको हम जिम भेजते हैं, डांट डांट के चक्कर ही बदल जाती है, सीरियसली। तो पता है एक्सरसाइज वक्त की जरूरत है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद एक और मुसीबत, भाई ये मुसीबतों से भरी हमारी जिंदगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब मैं ऐसे ऐप के बारे में बात करना चाहती हूँ जो छुपाई नहीं छुपते, ये ऐसे ऐप्स हैं जिनको आप कुछ भी कह लें। हर औरत को, मर्द को तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो तो कहते हैं ये तो खानदानी है, हम खानदानी, ये पेट है हमारा इसलिए कि हम खाते पीते खानदान से ताल्लुक है, मगर अगर जरा सी भी मोटी हो जाए तो उसका नाम कट्टो, मोटी, पता नहीं क्या, दुर्दाना, पता नहीं क्या क्या रख दिया जाता है। तो इसलिए ये एक ऐसी मुसीबत को मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो हम सब के पास से होके गुजरी है, जिसे हम कहते हैं मोटापा, और उसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हुमैरा अजीज, जो कि वेट लॉस एक्सपर्ट हैं और खुद भी इन्होंने अपना वेट काफी रिड्यूस किया है अपनी थेरेपीज के थ्रू, अपने वाइटमिन्स के थ्रू, अपनी मेडिसिन के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू। आप पहले आई थी हमारे शो पे तो आपने बताया था आपने कितने केजीज कम किए थे अपनी प्रोसीजर्स के थ्रू। टोटली मैंने 60 pounds लूज किए थे। ओके, मगर ये हुआ कि 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट एक हुआ, अच्छा, जिसकी वजह से मैं कोई 4 महीने पलंग में लेट ही रही। ओके, और इस एज में अगर आप 4 महीने लेट जाए तो मेटाबॉलिज्म तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो उसके बाद मुझे बहुत दिक्कत हुई वेट लॉस करने में, मगर अब ये है कि मैं और चीजें HCG हम कर रहे हैं, अच्छा, और उसके साथ हमारे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि अभी एक HCG के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? जैसे हड्डियों वड्डियों की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती? बिल्कुल नहीं, बल्कि जो लोग होते हैं जिनके पास, जिनका शुरू होता है जैसे आर्थराइटिस शुरू हो रही है, हाँ। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, हाँ। कि जिसकी आर्थराइटिस शुरू हो रही है वो HCG करता है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, मतलब बहुत डिले हो जाती है आर्थराइटिस, अच्छा अच्छा, आगे चल के कभी हो मगर उस वक्त बिल्कुल वो खत्म हो जाती, काफी हद तक खत्म हो जाती है, अच्छा। दूसरी चीज डायबिटिक्स को हम कराते हैं, अच्छा, तो उनको उनको इतना फायदा, डायबिटिक्स को आप HCG कराते हैं, HCG कराते ताकि उनका वजन कम हो सके, कम हो सके। और अब एक नया डेटा आया है कि अगर डायबिटिक्स को आप 800 कैलोरीज खिलाएं, अच्छा, 8 हफ्ते के लिए, अच्छा, तो उनकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। ओके, जब नई नई डायबिटीज शुरू हुई है या जो पुराने डायबिटिक पेशेंट्स हैं? अप टू 10 years, अच्छा। और इंसुलिन पे ना हो, जो इंसुलिन पे होते हैं उनको डील करना ज्यादा मुश्किल, ज्यादा मुश्किल, मगर ये इतनी जबरदस्त चीज है, हाँ। एक पूरा, अच्छा देखिए, लाइक HCG हर मोटी औरत अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो हम जनरली लोगों को लेके चल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना, जो सवालात करना चाहती हूँ, उससे पहला सवाल ये कि अक्सर दुबली पतली सुखी सुखी लड़कियों से शादी करके लाएंगे, पतली पतली कमरे हैं ये, सारी अम्मियां यही कहती हैं हम तो इतने पतले थे पहले, हम तो तुम क्या पतली हो जो हम, शादी के बाद ये वजन बढ़ क्यों जाते हैं, क्या वजूहात है? देखिए इस पे मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन एक डॉक्टर से हो रहा था, हाँ। और उन्होंने कहा कि कभी कभी जब हम लेबर में जाते हैं जी, तो इतना ज्यादा पेन होता है, इतना से शॉक होता है बॉडी जी, और लगता ये है कि हल्का सा पिट्यूटरी जो है वो एक ग्लैंड है यहाँ पर, हाँ। जो मास्टर ग्लैंड है, अच्छा, वो आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स
कॉज कर देती है। ओके। उससे क्योंकि आप देखें गरीब औरतें भी बहुत मोटी हो जाती हैं, हाँ, हाँ। और अमीर औरतें भी, हाँ। और ये ज्यादातर प्रेगनेंसी के बाद जी, और प्रेगनेंसी हालांकि यानी कि आपका कहने का मकसद है कि गरीब औरतें और अमीर औरतें दोनों सबको तो खाने को नहीं बराबर मिलता होगा मगर फिर भी वो मोटी हो जाती है। जी हाँ, वो हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा। तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम जो है ये बड़ा मुश्किल है हैंडल, हाँ, करना। हाँ। HCG इस हार्मोनल प्रॉब्लम को हैंडल करता है। अच्छा। क्योंकि हमारे पास ज्यादातर 80% जो लड़कियां आती हैं उनको PCOS है। अच्छा, उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स भी सही टाइम पे नहीं आते, हाँ। और वजन धनाधन बढ़ता। अच्छा, ये एक सिम्टम है कि आपके पीरियड्स अगर नॉर्मल नहीं है तो आपका वजन बढ़ रहा है। जी, ये एक सिम्टम है, ये एक सिम्टम है, हाँ। और बालों का होना। अच्छा, मोटा मोटा बाल आ रहा है इधर, हाँ। चिन पर, ये वो इधर, तो वो उसका होना, उसका वो भी एक PCOS का सिम्टम। अच्छा, तो उसके लिए क्या कोई ऐसी HCG के अलावा कोई ऐसी विटामिन है, प्रिमरोज ऑयल वगैरह अक्सर लोग देते हैं? देखिए, मैं जो चीज देती हूँ वो है क्रोमियम पिकोलिनेट। अच्छा, वो कोई विटामिन है? वो क्या है? एक मिनरल है। लाई है आप साथ? मेरे ख्याल से इन्हीं में से एक बोतल है। अच्छा, पढ़ूं मैं अगर आपका करीब का चश्मा नहीं है? मगर ऐसे ऐसे ही है, ये से रह गई शायद। अच्छा, वो रहे। मगर इन्हीं बॉटल्स की नेचर्स बाउंटी बहुत सारी क्रोमियम मिल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उससे क्या फायदा होता है? उससे ये होता है कि PCOS जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक प्रॉब्लम है, यानी कि मतलब इतनी डेप्थ में नहीं जाते शायद, इतना समझ आए। मतलब ये है कि जैसे रोटी चावल, हाँ। जो है वो लड़कियां खा नहीं पाती हैं इसलिए, और मगर वो खा रही हैं, हाँ। तो उनका वजन भी बढ़ रहा है, तो ये खा नहीं पाती से मुराद मतलब वो खा नहीं सकती, असल में उनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनका वजन बढ़ रहा है, उनका वजन बढ़ रहा है। और ये PCOS एक प्री डायबिटिक कंडीशन है, डायबिटीज की तरह है। अच्छा, मगर डायबिटीज के सारे सिम्टम्स नहीं है, मगर उसकी तरफ ले जा रही है 40 साल पे 45। अच्छा, साल मैंने आपसे सवाल जो किया था उसका जवाब आपने ये दिया कि जब बच्चे के बाद वजन बढ़ता है उसका मतलब सिर्फ खाने से नहीं होता, हार्मोन से भी होता है। हार्मोन्स अगर हम बैलेंस, लाइक डॉक्टर के पास जाए, हार्मोन्स बैलेंस हो जाए वक्त से पहले, तो हमारा वजन हम कंट्रोल में ला सकते हैं। देखिए, हार्मोन्स को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। अच्छा। ना करते हैं क्योंकि, अच्छा। आप खेल नहीं सकते हार्मोन्स, अच्छा। के साथ। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपको कुछ करना है तो रोटी चावल चीनी छोड़ दें। अच्छा। क्योंकि एक एक फैट से कमजोरी नहीं हो जाएगी पूरी? औरतों को सब घर के काम करने होते हैं, बच्चों का ध्यान रखना होता है, पूछे झाड़ू तो डस्टिंग तो खाना पकाना, इतने सारे काम, अगर रोटी चीनी चावल छोड़ देंगे तो बिल्कुल ढह जाएंगी बेचारियां। नहीं, देखिए, जब आप रोटी खाते हैं या, हाँ, चावल खाते हैं, हाँ, तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर एनर्जी आ गई है, हाँ, मगर वो फट से वो इंसुलिन रिलीज होती है और फिर आपकी ब्लड शुगर लेवल गिरती है, और जो आप खाते हैं बजाय इसके कि वो कंज्यूम हो, हाँ, इस्तेमाल में आए, वो स्टोरेज में जा रही है। अच्छा, तो इस सिस्टम को तोड़ने तो बेहतर फिर क्या खाएं? तो बेहतर ये कि आप सब्जियां खाएं। अच्छा, और उसके साथ कुछ गोश्त खा लें। अच्छा, अच्छा, मगर सबसे जरूरी चीज सब्जी है, हाँ। जितनी ज्यादा कच्ची सब्जी आप खाएंगे वो जितना आपको फायदा होगा। खीरा खा लिया ऐसे, और लेटस खा लिया, और जैसे आपने कहा था जी, एक मील अगर आदमी खाए, हाँ, एक प्रॉपर मील। जैसे कल मैंने एक दफा मटर पुलाव खाया, बाकी मैंने सैलेड खाई, है ना, वो वाली चीज, तो वही वाली चीज अब ये, हाँ, बहुत ज्यादा वेस्ट में प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, कि जितना लंबा गैप आप देंगे। सुनो, ये तो हम तो पागल हो जाएंगे। कोई कहता है 7 मील्स लो छोटे, कोई कहता है 6 मील्स खाओ थोड़ी देर बाद, आप कह रही हैं कि एक खाना खाओ जितना लंबा गैप हो, तो नाजरीन तो पागल हो जाएंगे, वो क्या करें? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो उनको ये करना चाहिए कि ट्राई करना चाहिए। अच्छा, कि क्या करें, वो छोटे छोटे मील लें, वो फर्क पड़ता है, या बड़े बड़े गैप्स के साथ खाएं? और आजकल देखा ये जा रहा है कि बड़े बड़े गैप से, हाँ, जैसे हम लोग रोजा रखते हैं, हाँ, तो ये बहुत ज्यादा सेहत के लिए अच्छी चीज है। थोड़ा सा ऑर्गन्स को भी ना सुकून आराम मिलता है, और हर वक्त आप कुछ ना कुछ डालते रहे, मशीन चलती रहेगी, चलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बात है, हाँ। और जब नहीं चल रही मशीन तो फिर जो हमारे सेल्स हैं, हाँ, वो जाकर जो जो खराबी है, हाँ, उसको डील करते हैं। अच्छा, जैसे किसी का लंग थोड़ा, मतलब हमने उनको थोड़ा फारिग छोड़ा, हाँ, तो उनको कोई और काम करने का टाइम मिला। बिल्कुल, वरना हमने तो उनको हजम करने पे लगाया, चलो भाई अब आइसक्रीम हजम करो, चाय पी ली, वो हजम करो, ये कह रही है ना। अच्छा, तो सबसे मतलब जो मैं औरतों को, अब अगर फर्ज करें औरतें मोटी हो गई 4 बच्चों के बाद, अब उन्होंने कहा भाई अब और हमने बस बच्चे और नहीं करने, अब हमने अपने आप को फिट करना है, तो HCG करा लें।
HCG कराने, वो तो बड़ा जान छूट जाएगी। हाँ, 12-13 किलो कम हो जाएंगे, हिम्मत बंधेगी, फिर वो ये कोई बीमारियां तो नहीं लगेंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मेरे क्लिनिक में कल एक लड़की मुझसे कह रही थी कि भाई आप फर्टिलिटी क्लिनिक खोल लें। अच्छा। क्योंकि मैं आई हूँ और HCG की और प्रेग्नेंट हो गई। वही मैं आपसे अभी पूछना चाहती थी, पता चले HCG करें, किसी की वजन की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, वजन कम होने के बाद तो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बल्कि आसानी होगी। ओके, अच्छा। क्योंकि HCG वही हार्मोन है जो अब इनफर्टिलिटी होती है। जी जी। तो उसके 5,000 यूनिट्स लगते हैं। अच्छा। ताकि औरत फर्टाइल हो। अच्छा। और हम लोग जो दे रहे हैं वो बहुत ही एक होम्योपैथिक डोज दे रहे हैं। अच्छा। 125 कहाँ 5,000 कहाँ 125 यूनिट्स। तो मेरे साथ देख जो नहीं हो रहे तो बच्चे, HCG में कितना बहुत कम खाना होता है, कितना खाना होता है? देखिए, असल में ये होता है कि 1,000 कैलोरी आपको अपने फैट से मिलती है। अच्छा, वो HCG की मदद से आपकी जो स्टोरेज होती है फैट, बिल्कुल वो निकलती है। बिल्कुल। और बाकी कितनी कैलोरीज देते हैं आप लोग? वो हम देते हैं तो 500 है। हाँ। मगर अब एक नया HCG का प्रोग्राम बना है। अच्छा। जिसमें हम सेब नहीं खाने देते और उनको 800 कैलोरी दे देते हैं। Okay. प्रोटीन की। अच्छा। तो प्रोटीन से ही होता है कि बर्निंग ज्यादा फास्ट होती है। अच्छा। और सेब नहीं खाने देते? सेब नहीं खाने देते। अच्छा अच्छा। और डोसेज उनका मॉनिटर करते रहते हैं। हाँ, हाँ। ये डॉक्टर एमा है अमेरिका में, उन्होंने शुरू किया है। सही। और उन्होंने बड़ी स्टडीज लेकर आई हैं आप, ये कौन कौन से हैं, ये किसके लिए? भाई ये जो है, जैसे ये L-arginine है, ये ब्लड प्रेशर के लिए है। अच्छा। अगर आप दिन में जिसको ब्लड प्रेशर है, हाँ। देखिए बनना। अच्छा, ये मोटापे से हट कर रही हैं, मगर रिलेटेड है। अच्छा, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, आप कह रही थी एक सवाल मुझसे करना, मैं भूल गई, क्या? GMO ये क्या है? GMO जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते थे। अच्छा। क्योंकि एक जमाने में कुछ मुर्गियां ऐसी बन रही थी बाहर, हमारे यहाँ तो नहीं मेरे ख्याल से, बाहर बन रही थी कि उनके सिर्फ बॉडी पार्ट्स बन रहे थे। मतलब कि जैसे हम टांग छोंक से खाते हैं मुर्गी की, तो वो सिर्फ टांगे बना रहे थे। टांगे और सिर्फ उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते थे। और फिर लोगों को पता नहीं होता था वो फास्ट फूड में चले जाते हैं। okay. मगर पाकिस्तान में इस पे बड़ा शोर मचा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने रुकवाया। मतलब ऐसा तो नहीं हम कहीं किसी भी ब्रोस्ट की दुकान पे जाएं वहाँ तो टांगे और सीने ही मिलते हैं? वहाँ तो भी वही हो? नहीं नहीं, वो टांगे 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 सीने 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 नहीं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ये नहीं है कि प्रोटीन डाइट कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, कम करने के तो मुर्गियां ही खा ले, खा रहे होते हैं ना ज्यादातर। नहीं भाई, यहाँ पर जो मसला है वो चिकन्स का, कि उनकी जो फीड है वो ऐसी है कि जो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा PCOS फैल गया है, उनको हार्मोन्स लगा रहे हैं, ये सारे मसले। अच्छा, आम पब्लिक को हम ये कहेंगे कि अगर उन्हें अपना वजन कम करना है तो रोटी चीनी चावल वो अपनी जिंदगी से खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल है ना। और उसकी जगह आप कह रही हैं कि रूखा खाएं, सलाद खाएं, फल खाएं। आजकल ये जो कॉलीफ्लावर है, फूलगोभी जी, वो वेस्ट में खासतौर से चावल को रिप्लेस कर रही है। हाँ। कॉलीफ्लावर राइस कह रहे हैं, तो बड़ी गैस होती है। वो उसको हाँ। पका देते हैं, उसमें वो भी डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, है ना, अदरक लहसुन, अच्छी खासी हो जाती है। वो बुरबुरा करके चावल की जगह खा ले। कल रात ये हुआ कि हमारे यहाँ दाल, लेकिन कसम से उसका चावल जैसा फ्लेवर नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर अवेयरनेस ऐसी चीज है कि आपको पता चल जाए कि भाई इसको खाने से मेरी तबीयत खराब होगी या हुस्न कम हो जाएगा। हाँ। तो वाकई लोग इसका ख्याल करते हैं। हाँ। अब कल हमारे यहाँ दावत थी। हाँ। अब यकीन कीजिए, किसी ने चावल रोटी नहीं टच की। हाँ। उन्होंने सलाद खाई, दही खाया, जो और था वो खाया। हाँ। मैं तो हैरान थी, मैंने कहा कि मैं चावल ही नहीं बनवाऊ। अच्छा जी, यहाँ अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर उमे राहील की तरफ और उनसे पूछ रही हूँ कि वजन कम करने के लिए बता दें कोई जादू की छड़ी, दिखा दें। अच्छा, वजन जो कम घर में, बिल्कुल, और ताकि वजन कम करने के साथ साथ हार्मोन्स को भी बैलेंस कर। अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये आंवला लेंगे, आंवला पाउडर 50 ग्राम। ठीक है। इसमें हम डालेंगे हल्दी का पाउडर, ये 25 ग्राम। अच्छा, मतलब इसकी क्वांटिटी कम रखेंगे। ठीक है। लहसुन बहुत जरूरी है, लहसुन पाउडर ये भी 25 ग्राम। ठीक है। सौंफ 50, काली मिर्च, सौंफ ये जो है ये तकरीबन आपका 25 ग्राम काली मिर्च, ये फैट को खत्म करने के लिए बहुत इफेक्टिव अच्छी होती है। हाँ, और ये है राई दाना। नहीं कि अंडे में भर भर के डाल, अंडे में काली मिर्च भर भर के डाल। अच्छा, ये राई दाना है 1 टीस्पून।
ठीक है, तकरीबन 5 से 7 अपना ग्राम्स हो जाता है, और इसी तरह से मेथी दाना 1 चाय का चमचा। डन डन। अच्छा, ये दोनों चीजें हमने कम डाली, मेथी दाना और राई। हाँ। बाकी चीजें हमने जो है 50 और 25 के रेशो में रखी, इनको मिक्स किया, ठीक है, इसका पाउडर बना लिया। अच्छा, ये न सिर्फ वजन कम करता है बल्कि जो हार्मोन्स जो बैलेंस नहीं, इम्बेलेंसमेंट जो हो जाती है, हार्मोन्स आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये राई और अपना मेथी और सौंफ ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अच्छा, तो अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि इसका पहले आपने पाउडर बनाया ताकि काली मिर्च मुंह में ना आए, ठीक है, और सुबह उठ के इसका लेंगे 1/2 टीस्पून गर्म पानी के साथ। अच्छा, ठीक है, नहार मुंह, और आधे घंटे के बाद आप कुछ भी खाएंगे, नाश्ता करना है, और रात को सोते वक्त 1 टीस्पून। अरे, रात को ज्यादा लेंगे, लेकिन वो भी गर्म पानी के साथ, ठीक है, गर्म पानी जरूरी है, गर्म पानी जरूरी है, रात को सोते वक्त आपने ये लेना आखिरी चीज, और सुबह नहार मुंह 1/2 चम्मच। इससे हार्मोन भी बैलेंस होंगे, वजन भी कम होगा, हार्मोन भी बैलेंस होंगे, वजन भी कम होगा, जो खाम की क्रेविंग होती है वो भी नहीं होगी। अच्छा, मतलब आपका बिल्कुल एक मेटाबॉलिज्म जो है आपका वो बहुत अच्छा काम करेगा, और आपका भूख भी कंट्रोल में रहेगी, और वजन जो है काली मिर्च जो है, और ये अगर बहुत ज्यादा, जैसे मैं एक चीज बता दूं, अगर बहुत ज्यादा, ये तो एक नॉर्मल चीज हो गई, बट अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है और किसी तरह से कम नहीं हो रहा है, तो इसमें आप एक्स्ट्रा मिला सकते हैं सना के पत्ते, सना के पत्ते जी। अच्छा, ठीक, ये भी तकरीबन आपका 50 ग्राम। सही, पत्ते कैसे खाएंगे, इसको पीस के डालेंगे, पाउडर बन जाएंगे। ठीक है जी, अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ताकि अगली मुसीबत को आपके सामने ला सके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हर मसले का हल जो है वो यहाँ आज निकालने की कोशिश की जा रही है। मसले ऐसे उठाए हैं जो आम खवातीन में बिल्कुल कॉमनली पाए जाते हैं। अब जैसे डॉक्टर उम्मे राहील, आपको भी लोग मिलते होंगे, तो ज्यादातर सवाल यही होते होंगे, मेरे दाने हो गए, मेरी छाइयाँ हो गई, मेरा रंग काला हो गया है, वक्त से पहले स्किन लूज हो गई है, बाल जो है वो सफेद होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, ये स्किन की प्रॉब्लम्स काफी काफी लोगों को फेस करना पड़ती हैं, और वो लोग जो ढूंढ रहे होते हैं किसके पास जाएं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज में आज कल चेंजेस आ गई हैं अपने आप को खूबसूरत दिखाने, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका ये हो जाता है जब आपकी स्किन वगैरह अच्छी तरह प्यारी लग रही होती है, तो कॉन्फिडेंस लेवल हर चीज में आगे ही आगे होता है, चाहे आप वर्किंग लेडी हो, चाहे आप मदर हो या हाउसवाइफ हो। तो आज हमने स्किन के ऊपर बात करने के लिए बुलाया डॉक्टर शगुफ्ता बेग, जो डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी बहुत यंग सी प्यारी प्यारी सी हैं। अच्छा, वैसे इस फील्ड में डॉक्टर का खुद का प्यारा होना बड़ा जरूरी है, नहीं प्यारा होना या प्यारा है स्किन अच्छी होना, स्किन और हेयर्स, और भाई आप मोटापा कम करने आए और खुद इतने मोटे हैं, कौन सही बात है बताएं, आप कौन मानेगा, आप जिम कराती हैं, एक्सरसाइज कराती हैं, खुद इतनी मोटी हैं, कौन आपका सुनेगा कि आप पतली कराएंगी, खुद तो पतली हो जाए पहले, नहीं सही बात है। तो आप सबसे पहले बताएं आप अपनी स्किन का क्या करती हैं, कैसे स्किन अच्छी के लिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि द गुड सन ब्लॉक इज वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा सन ब्लॉक, मॉइस्चराइजर, अच्छा फेस वॉश, ये तीन चीजें तो आपकी मस्ट हैं। हाँ। कि लोग कहते हैं कि सिर्फ फेस वॉश कर लिया, मेकअप लगा लिया, ये नहीं। हाँ। आपकी प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन, सन ब्लॉक एंड आपका अच्छा फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर डाइट। अच्छा, ये सारी अकल जो है ना, ये बहुत देर बाद आती है, बहुत देर बाद आती है, सही बात है। और लेकिन नहीं, आप जो है थोड़ा सा माइंडसेट बदल रहा है कुछ आप लोगों के प्रोग्राम्स की वजह से भी। हाँ। और मीडिया की वजह से भी, और वैसे भी जो है अब लड़कियां अब बिल्कुल टीनेज में भी लोग आ रहे हैं, इवन हाँ। अपनी यंग बच्चियों के लिए लोग आते हैं कि 4-5 साल की बच्ची है, स्कूल जाना शुरू हुई, कॉम्प्लेक्शन खराब हो गया, उसके लिए हम क्या करें, टीनेज बच्चे तो मुंह ही नहीं धोते, मेरे बच्चे तो मुंह ही नहीं धोते, अब क्या करूं उनका, सारे ऐसे नहीं होते हैं आजकल, बहुत कॉन्शियस हो गए, अब तो मेल्स इतने कॉन्शियस हैं। वो बेटी कहती मेकअप से छुप जाएगा, पीछे पड़ती हूँ, खुदा के फेस वॉश लाके दिया है, एक दिन फेस वॉश आंखों में चला गया, तब से उसने लगाना ही छोड़ दिया। नहीं, तो आप उसको कोई ऐसा फेस वॉश भी रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ। हम लोग के जिसमें ज्यादा लादर ना हो, ज्यादा जो है इरिटेशन ना हो, ऐसा अच्छा। भी होता है, बिल्कुल हर स्किन के हिसाब से है, सेंसिटिव स्किन के लिए अलग है। शुरू से स्किन की केयर की जाए
तो आपकी जैसी हो सकती है ना, मतलब बहुत अच्छी हो सकती है। अच्छा, जैसे बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ किसी की छाइयां होती हैं, दाने तो ज्यादातर टीनेज में ही होते हैं। मेरे टीनेज में दाने हुए थे, उसके निशान अभी तक रह गए हैं। खत्म होने के बावजूद भी जब पतली होती हूँ तो फिर पोर्स ओपन हो जाते हैं, वो यादाश्त दोबारा वापस आ जाती है। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब एक्नी आपकी होती है ना, तो आप उसके साथ छेड़छाड़ बहुत करते हैं। मैंने तो छेड़छाड़, जितना हम मना करते हैं लोगों को उतना ही वो उस पर हाथ लगाएंगे, उसको पकड़ पकड़ के नोचेंगे। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप एक दफा छेड़छाड़ करेंगे ना, तो वो सारी जिंदगी आपको याद दिलाते रहेंगे, वो सारी जिंदगी आपके साथ छेड़छाड़ करेंगे कि आपको ये याद रहेगा कि आपने उनको कितना छेड़ा था। उतना ही स्कार बनेगा, उतनी ही पिगमेंटेशन बनेगी। दाने हैं अगर और खारिश हो रही तो क्या करें इंसान? आप मेडिसिन लें, प्रॉपरली ट्रीट करें, ताकि उससे इचिंग भी सबसाइड हो जाएगी खुद ही, और आपकी एक्नी भी ठीक हो जाएगी। देखिए, ये कहने की बात होती है ना कि अब ये कॉन्सेप्ट भी खैर पुराना हो गया। पहले कहते थे जी अभी ये टीनेज है, दो दाने निकले हैं, चार दाने निकले हैं, खुद ही ठीक हो जाएंगे। पहले कहते थे जब मेरे जमाने में जब मेरे दाने निकलते तो कहते थे सुबह उठो ना तो अपनी थूक दानों पे लगा लिया करो, है ना। मैंने कितनी दफा एक दो दाने निकले, थूक निकल लगाई है, दाने बढ़ गए और खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन वो अजीब अजीब, लेकिन अब ये है कि मैंने बहुत नोट किया है कि लाइक मेरी प्रैक्टिस में ऐसा है कि अब लोगों को अगर एक दाना या दो दाने भी निकलते हैं तो फौरन आ जाते हैं लड़कियां, लड़के फौरन आते हैं कि मुझे एक्नी हो गई है। लेकिन ये है कि उसको फिर प्रॉपरली आप उसको ट्रीट करें, और आप उसको हाथ कम से कम लगाएं, छेड़े कम से कम, तो ना पिगमेंटेशन होगी ना स्कार्स होंगे। अच्छा, ज्यादातर दाने तो होते हैं आपकी जी टीनेज में, ठीक है। अब आपकी जो छाइयां हैं वो ज्यादातर निकलती है या तो आप बहुत मेहनत का काम करती हैं, बसों में ख्वार हो रही हैं, धूपों में गुजर रही हैं, या फिर प्रेगनेंसी के बाद अगर आपने जिंदगी में ऐसी ऐसी मेहनत भी नहीं की होगी तो भी आपके छाइयां पड़ जाती हैं कुछ खवातीन के। इसीलिए मैंने कहा ना कि सनब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका धूप में आना जाना है और आपका सन एक्सपोजर है। अब कुछ लोग हमारे यहाँ पे एक मेजोरिटी ऐसी भी है कि जो कहती है हम तो नकाब करते हैं, लेकिन मेजोरिटी नकाब करती है ब्लैक कलर का। तो मैं कहती हूँ आप अगर ब्लैक कलर का नकाब कर रहे हैं तो ब्लैक इज द बेस्ट एब्जॉर्बेंट। तो वो कहते हैं हमें सनब्लॉक लगाने की क्या जरूरत है। मैं कहती हूँ आप तो बेस्ट एब्जॉर्बेंट है ब्लैक, तो आप तो और ज्यादा हीट ले रहे हैं और ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपको भी जरूरत है अगर आप नकाब कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। एनसीसी वाले नकाब पहन लें, वो ब्राउन कलर वाले, लाइट कलर के। आई ऑलवेज प्रेफर कि आप लोग जो है स्किन कलर का करें या इस तरह का करें, ब्लैक ना करें धूप के टाइम। अच्छा, और जो पिगमेंटेशन की आपने बात की, जो मेलाज्मा और मेलाज्मा क्लोज्मा जो पिगमेंट प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी सही है, ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी में जो आ जाती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती हैं और डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी होती हैं कि जो बाद में भी रह जाती हैं। लेकिन उसको भी अगर आप जल्दी से ट्रीट कर लेंगे, अगर आप उसको छोड़ेंगे नहीं कि जी आपने 5 साल के बाद आपको ख्याल आ रहा है कि जब वो डीप होना शुरू हो गई, जब वो लाइट है सुपरफिशियल है, आप उसको तभी ट्रीट करें। आयरन की कमी की वजह से भी हो जाती है, कुछ कमियां हो जाती हैं उसकी वजह से भी छाइयां होती हैं, हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, सारे हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, पूरा सिस्टम आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आयरन भी आपने साथ साथ रखना होता है, जैसे जो मल्टी विटामिन साथ में प्रेगनेंसी में चल रहे होते हैं। उसके बाद आप क्रीम्स भी हैं जो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यूज कर सकते हैं, कुछ क्रीम्स आप आफ्टर डिलीवरी यूज करें, सनब्लॉक बहुत प्रॉपर रखें। फिर उसके बाद अब तो ट्रीटमेंट्स इतनी आ गई हैं कि वी हैव इंजेक्शंस, वी हैव मेसोथेरेपीज, वी हैव केमिकल पीलिंग, जो खराब हुआ वो काम में वो सही हो सकता है। लेकिन जस्ट आफ्टर, अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं कराना चाहते हैं, कुछ चीजें जो हम कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो आप आफ्टर डिलीवरी वो चीजें करवा लें, उसको 5-10 साल के लिए ना छोड़े। क्योंकि ज्यादातर अब क्या है कि आते हैं कि कब से है जी 5 साल हो गए, मेरा बेटा हुआ था ना, मेरा पहला बच्चा हुआ था तब से स्टार्ट हो गए थे, फिर दूसरा बेबी हुआ तो और ज्यादा बढ़ गए, तो आप उसको क्यों पाल रही थी 5 साल से। उन्होंने कहा एक साथ ही करके और फिर आके ट्रीटमेंट करा लें। लगे आपको 4 बच्चे हो गए, चलो जी कंप्लीट, अब छाइयों का इलाज। ये चीज है, और बाकी ये कि कुछ कॉस्मेटिक्स ऐसे हैं कि जो हम लोग लगा लेते हैं और मतलब बिल्कुल इस तरह से प्रोडक्ट्स यूज हो रही हैं कि जिनमें केमिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर ये कि कुछ अच्छा, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहिबा, जैसे कौन सी गिजा, ये तो हो गई क्रीम सनब्लॉक, आपने बोल दिया फेस वॉश सनब्लॉक मॉइस्चराइजर क्रीम, ये तीनों चीजें तो मस्ट है, आपके सौदे में आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, आप अपने हिसाब से ले लें, जितनी आपकी जेब इजाजत देती है उस ब्रांड की ले लें। तो कौन सी गिजा आप अपनी, खास तौर पर लड़कियों की देखी जाती है ना, रिश्ते विश्ते हो रहे हैं तो स्किन अच्छी हो, ये जो आपने आयरन की बात की, और आजकल देखिए अनार आया हुआ है। हाँ। अनार बहुत अच्छा है आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए। उसका जूस निकालें या वैसे ही खा लें? वैसे खा लें ज्यादा अच्छा है, जूस निकालने से बेहतर है कि आप उसको खा लें। अच्छा। और ये कि आपके बीट रूट्स बहुत अच्छे हैं, रेड बीन्स हैं, चुकंदर है, रेड बीन्स हैं, तो ये चीजें आप खा सकते हैं क्योंकि आयरन रिच है और ये आपके स्किन के लिए अच्छा है। अच्छा है, आपके कॉम्प्लेक्शन पिगमेंटेशन हर चीज में हेल्प करेगा। तो ये चीज आप विटामिन सी रखने का मकसद है कि जो मौसमी फल है
वो बच्चों को जरूर खिलाएं, ठीक है। साथ आप ये कह रही हैं कि आयरन का इस्तेमाल, ये लोबिया शोबिया तो हम इतना इस्तेमाल करते ही नहीं। देखिए मैं कहती हूँ कि आप टैबलेट से बेहतर होता है कि आप नेचुरल अपना फूड में डाइट में ऐसी चीजें कर लेना कि जो आपको मल्टी विटामिन्स ना लेने पड़े। क्योंकि क्या है, आजकल लोग विटामिन सी अलग से ले रहे हैं, आयरन अलग से ले रहे हैं, विटामिन ई अलग से ले रहे हैं। अरे आप ऐसी चीजें ही खा लेना कि जिसमें जो है ये सारी चीजें हैं मौजूद, ठीक है, बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शन। अब क्या हो गया, छाइयां भी हो गई बच्चों के पास, अब पहले ही वक्त से पहले बूढ़े ही लगने शुरू हो गए। चाहे आप पतली भी है ना, आपके चेहरे पे बुढ़ापा आ जाता है। क्योंकि जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनमें है स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स आजकल, जो सबसे ज्यादा जो मेन कॉज है ना पिगमेंटेशन रिंकल्स, वो क्या करता है आपकी स्किन को ना वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ना जब आप यूज करते हैं तो उसको पतला करता जाता है। अच्छा। आपकी स्किन थिन हो जाती है, जब स्किन थिन होगी ड्राई भी होगी, रिंकल्स भी आएंगे, तो लेकिन उस टाइम तो आपको अच्छा लग रहा होता है कि जी स्किन मेरी जो है शानदार हो रही है और ऐसी शाइन कर रही है, दो दिन लगाने में ही दो दिन में फायदा मिल गया, लेकिन वो चीजें लॉन्ग टर्म आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। तो हम जब हम खरीदने जाए हमें क्या पता ना कि कौन सी चीज ऐसी, तो कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको पढ़ के दूर 10 कदम। देखिए अगर आपकी जो है ना, देखिए उसमें नहीं लिखा होगा। अच्छा। उनमें कहीं नहीं लिखा होगा कि इसमें ये इंग्रेडिएंट है, क्योंकि जो चीज डैमेजिंग है स्किन के लिए कि वो कभी भी उस पे नहीं मेंशन करेंगे कि इसमें ये, तो इसका वो मतलब कहेंगे कि ये हर्बल है, लेकिन हर्बल के नाम पे नहीं। आप कहना चाहती हैं कि खुद अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर के पास आए, जो दवाइयां वो रेकमेंड करे, बिल्कुल बाद की चीजें बचाने से पहले फिर वो खरीदें। कोई ऐसी दवाई आप लाएंगे साथ की? ये मेरे पास दो सिरम्स हैं कि जो आप अगर आपको रिंकल्स आते हैं, अर्ली रिंकल्स आ रहे हैं, और जैसे अगर सॉर्ट ऑफ एक ये प्रोसेस ऐसा है कि जो हम कहते हैं कि आप एंटी एजिंग प्रोसेस भी अब हम कहते हैं कि टीन एज से स्टार्ट हो जाता है। अब वो वाली बात नहीं है कि आपको आफ्टर 40 या 50 ये ख्याल आए कि मेरे रिंकल्स जो है इतने डेवलप हो गए तो मैं क्या करूँ। तो सिरम्स हैं, एक सिरम है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड और वाइटामिन सी है। अच्छा। विटामिन सी भी स्किन के लिए अच्छा है, और हाइलुरोनिक एसिड तो वैसे ही जैसे हम लोग अब एक जो अगर हम एडवांस ट्रीटमेंट में जाएंगे तो एडवांस ट्रीटमेंट में फिलर्स आ जाते हैं। अच्छा। तो एंटी एजिंग में जहां पे हमारे डीप रिंकल्स हैं तो हम उनमें फिलर्स देते हैं। अच्छा। तो क्योंकि फिलर इज टू फिल समथिंग, वेयर यू हैव टू फिल समथिंग, तो यू हैव टू यूज द फिलर, तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। अच्छा, तो ये सीरम्स में इस तरह से हाइलुरोनिक एसिड अवेलेबल है। इवन हमारे पास मास्क ऐसे अवेलेबल है कि जो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मास्क हैं जो आपको स्किन टाइटनिंग और आपको व्हाइटनिंग और कॉम्प्लेक्शन भी इंप्रूव करते हैं और आपको स्किन टाइटनिंग भी देते हैं। अच्छा। लेकिन इसका आप प्रॉपर अगर यूज रखेंगे तो अब ये कि इसके अलावा एक आता है फेस लिफ्टिंग सीरम है। अब ये क्या है, ये जैसे बोटॉक्स है, ये बोटॉक्स का एक फेस लिफ्टिंग सीरम है कि जैसे बोटॉक्स हम यूज करते हैं कि मसल्स हमारे जितने एक्स्ट्रा एक्टिव जो ओवर एक्टिव मसल्स हैं उनको हम उसकी जो एक्टिविटी को बाउंड करने के लिए हम बोटॉक्स कर रहे होते हैं कुछ एरियाज में। ये वो प्रोसीजर्स हैं कि जो मैं कहती हूँ ना कि जब अगर आपने अर्ली एज में अपना ख्याल नहीं रखा ना तो फिर तो आपको 40 ईयर्स के बाद आपको इन प्रोसीजर्स पे तो जाना ही जाना है। मगर हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्यों ना बचपन से थोड़ा बहुत ये आदत डाल दे ना, बच्चों को क्रीम लगाने की, हर अपने हिसाब से, कोई तिब्बत ले ले, कोई निविया ले ले, कोई कुछ ले ले। और लेकिन इन सीरम्स की अच्छी बात ये होती है कि अगर आप साथ में अगर बोटॉक्स फिलर्स भी करवा रहे हैं तो अगर वो बोटॉक्स 4 महीने के लिए होता है, 4 से 6 महीने के लिए, तो आप अगर इन चीजों को लॉन्ग टर्म एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू सीरम्स के। आप ट्रीटमेंट कराने के बाद ये सीरम्स अप्लाई करना शुरू कर दें तो आपका वही ट्रीटमेंट जो अगर आपने 1 या 6 मंथ्स में कराना था ड्यू, तो आप उसको 1 ईयर तक चला सकते हैं। मतलब लाइक इस तरह से चीजें मैनेज हो जाती हैं। जरूरी नहीं है ना कि आप हमेशा हर चीज इंजेक्शन के थ्रू कर रहे हैं। विटामिन से कितना फर्क पड़ेगा, अगर चिड़िया चुग गई खेत हो गया गड़बड़, स्किन लटक गई और फिलर्स नहीं, मतलब लाइक आपके लाफ लाइन या जो भी और फिलर्स जहां जहां। लेकिन ये कि ये चीजें टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। अच्छा। कि सीरम्स वगैरह अगर आप लगाएंगे ना, देखिए जो मैजिक वाली क्रीम्स होती है ना वो तो वही है कि जो 2 दिन में मैजिक करती हैं और 1 हफ्ते के बाद बेड़ा गर्क करती हैं। हाँ, हाँ। कि अगर आप 7-10 दिन प्रॉपरली उसको यूज करेंगे ना तो उसके बाद किसी की, देखिए स्किन लोग कंपेयर करते हैं कि उसकी स्किन तो वो तो 1 साल से यूज कर रही है उसको कुछ नहीं हो रहा। Everyone's skin is different. बिल्कुल, बिल्कुल। हर तरह से differently react भी करती है और skin sensitivity भी different होती है। अच्छा, देखिए हर कोई डॉक्टर के पास जाना अफोर्ड, हमारे पास हर तरह के नाज़रीन होते हैं, डॉक्टर के पास जाना अफोर्ड या फिलर्स वगैरह नहीं करवा सकते या क्रीम्स नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके किचन में जो सौदा आता है उसमें से ही कुछ निकाल कर वो, क्योंकि ये प्रोग्राम सबके लिए है, ठीक है ना, तो वहाँ जो लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है, जो लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी। एक चीज होती है एवोकाडो है, एवोकाडो में हाइलुरोनिक एसिड बहुत है। एवोकाडो आपके वैसे बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को लो करता है और इन चीजों के लिए, और आपका हाइलुरोनिक एसिड है वो। अच्छा, तो आप वो जो है खाने में डाइट में जैसे आप पूछ रही थी तो वो ऐड कर सकते हैं। वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या बता रही? अच्छा जी, सबका मजमू बहुत, जैसे आपने कहा घर के लिए तो बहुत ही आसान झटपट चीज,
ये किस लिए बता रही हूँ? ये हर चीज के लिए बता रही हूँ. इसमें पिगमेंटेशन भी है, लिफ्टिंग भी है, और जो टू टोन स्किन हो जाती है वो. डॉक्टर खुर्रम हो गई आप. जी हाँ, एक्चुअली इसकी वजह क्या है, इतना टाइम जो घर वाली औरत है अगर उसको इतना टाइम मिल जाए तो शायद जाके सब कुछ करवा ले. अब उसके पास इतना टाइम ही नहीं, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है. दूसरा, आपने कहा कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसको हम पढ़ के पता चल जाए कि वो हार्मफुल है. अलसी लग रहा है मुझे. जी मैं बता, अलसी के बीज ना. अलसी के बीज. अच्छा, उसमें ये कि जो आपसे कहा जाए कि दो दिन में आपको रिजल्ट दे देगी, वो चीज इसका मतलब है नुकसान दे. कोई ऐसी चीज जो खाने की है या लगाने की जो आपको कह रहा है ये बेचते वक्त कि ये दो दिन में आपको चिट्टा कर देगी या पतला कर देगी, इसका मतलब वो नुकसान दे, उससे आप महफूज रही. अच्छा, अभी हमने क्या किया, कोकोनट वाटर, नारियल का पानी, नारियल का पानी, इसमें डाला अलसी का बीज. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा पकाया तो ये देखें बिल्कुल जेल बन गया है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया, गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया, तभी इसको मैं निकाल रही थी. जेल हमने निकाल लिया. हाँ, अभी इसको छान लेंगे, लेकिन अभी ऐसे दिखा देती हूँ मैं आपको. मतलब अलसी के बगैर आप इसे छान? बिल्कुल, अलसी के मतलब ये सबको लाइक सीरम जैसा पकाया आपने अलसी के साथ. बमुश्किल 8 से 10 मिनट पकाया. ठीक है, उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया, वो सारा जेल बन गया. ठीक है. अच्छा, इसमें हमने क्या किया है कि थोड़ा सा डाला है सोया का तेल, सोया ऑयल. ठीक है, ये आराम से मिल जाता है. इसको डालेंगे 1/4 टीस्पून. ठीक है, इसको मिलाया हमने. हाँ, और इसमें जरा सा जो है अपना खुश्क दूध है, ये भी 1/4 टीस्पून. ठीक है. अच्छा, ये तो आपका हो गया सरम हो गया, जो कि रात को लगाना है आपने, और शाम में जब किचन से फारिग हो गए हैं, कोई काम नहीं है, किचन में नहीं जाना है, तो आपने फेस वॉश किया है, उसके बाद इसको लगाया है, और इसके ऊपर आप कोई भी क्रीम मेकअप कर सकते हैं. अच्छा, लेकिन पहले ये लगाना है अपने फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, देखें बिल्कुल ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया. सही है, ये लगाने का है. और आपको साथ साथ क्या करना है, रोजाना 1 चमचा अलसी का बीज खाना है, और 1 चमचा जो है ये आंवला का पाउडर खाना है. ठीक है. विटामिन सी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, रिंकल्स के लिए, व्हाइटनिंग के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सही. आप ये लगाएंगे और ये दो चीजें इस्तेमाल करेंगे. सही. तो आपकी जो स्किन खराब हो चुकी है वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला जल्दी से सही हो जाएगी. मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे. और अगर कोई मसला नहीं है तब भी अगर आप ये खा रहे हैं दोनों चीजें और ये लगा रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है. ठीक है, थैंक यू सो मच. आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शगुफ्ता. मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मेरे पास एक मुसीबत का टाइम है ना. हाँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. एक ऐसी मुसीबत जो हम सबके ऊपर आती है, मतलब अगर हम नॉर्मल भी हैं, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी ठंडे पसीने, तरेलियां आती हैं नर्वसनेस की वजह से, फिर थायराइड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका पता ही नहीं होता कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है. और जब आपको हाई लो ब्लड प्रेशर, ये इस तरह की चीजें ना, मतलब वक्तन फवक्तन जिंदगी में तंग करती हैं, फिर आप एक दिन फैसला करती हैं चलो यार जनरल फिजिशियन के पास जाके मैं अपने टेस्ट कराती. तो मैंने उनको यहीं बुला लिया कि आपको कब उनके पास जाने की जरूरत पड़े ये आपको पता होना चाहिए. डॉक्टर शैला जनरल फिजिशियन मेरे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं. अच्छा, अब ये आम चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके पास लोग क्यों आते हैं? डिफरेंट लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं. आजकल सबसे ज्यादा तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन तो बहुत कॉमन है, प्लस थायराइड का. हाइपरटेंशन क्या हुई कि लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर? हाइपरटेंशन इज द हाई ब्लड प्रेशर. अच्छा, हाई हाई है. अच्छा, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर कोई ऐसी डिजीज नहीं है, उसको तो आप ये कि थोड़ा सा बॉयल एग खा लिए कर लिए, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वो एक प्रॉपर डिजीज है जो कि आपकी किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और सारी चीजें. अच्छा, हमें एक जनरल आदमी को कैसे पता चलेगा उसको हाई ब्लड प्रेशर हुआ, क्या सिम्टम होंगे? सिम्टम्स तो ये कि समटाइम्स इज द साइलेंट किलर भी कहते हैं इसको. ठीक है ना, तो आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि हो रहा है. और अच्छा होता है कि अगर आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, सर में दर्द होता है और स्पेशली बैक साइड पे होता है. अच्छा, लो ब्लड प्रेशर में भी ऐसा ही होता है? लो ब्लड प्रेशर में, लेकिन फिर वो वाली बात है कि डॉक्टर किस लिए जाए ना, डॉक्टर के पास जाके दिखाएं. बार बार सर में दर्द हो रहा है, इधर गर्दन में ये स्टिफ हो रहे हैं, नेक के मसल ये सारे हो रहे थे. या तो मशीन घर में हो तो आप चेक नहीं, उसके साथ खाली एक ये हेडेक नहीं है, सिवियर हेडेक तो है. हाँ. प्लस आपको फटीग हो जाता है, आपके क्या कहते हैं कि पैल्पिटेशंस हो रही थी, हार्ट रेट बढ़ रहा होता है, तेज तेज धड़क रहा होता है, और समटाइम्स लगता है आपके कानों में सांस भी फूलते हैं, कानों में जैसे आपके दिल धड़क रहे हैं, दिल धड़कने की आवाज आ रही होती है, यहाँ नेक में आपको फील हो रहा है, प्लस सोलो करने में प्रॉब्लम होती है क्या? नेक में क्या फील? नेक में आवाज सी आ रही है, हार्ट आपको जो तेज धड़क रहा है ना, हर जगह दिल धड़कने की आवाज आ रही है, दैट इज कॉल्ड पाउंडिंग. ठीक है ना, उसमें होता है कि आपको लगता है हर तरफ दिल धड़क रहा है जोर जोर से, क्योंकि आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो रहा होता है, तो वो फिर उसमें ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स. अब अगर आपको फर्ज करें आपको नहीं पता आपको शुगर है, क्या सिम्टम्स हैं?
शुगर का एक तो ये यूरिनेशन बहुत होती है रात में, बहुत ज्यादा होती है, यूरिन पास कर रहे हैं, प्लस ज्यादा लोग इसीलिए आते हैं या फिर प्यास बहुत लगती है लोगों को, उसके लिए भी लोग आते हैं, या वेट लॉस अनएक्सपेक्टेड, देखिए ना आप कोई जिम जा रहे हैं ना डाइट करें कुछ भी नहीं करें बट अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस आपका हो रहा है, फिर थके थके रह रहे हैं, अपनी दिन भर की एक्टिविटीज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये होता है कि गो फॉर द डॉक्टर। ठंडे पसीने क्यों आते हैं? ठंडे पसीने आने की बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये होता है कि अच्छा दो होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में होता है कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो खुद ब खुद पसीना ज्यादा पैदा कर रहे होते हैं, और कुछ होते हैं सेकेंडरी जिसमें होता है कि अंडरलाइन कोई कॉज होता है उसकी वजह से आ रहे होते हैं। एक तो हाइपोग्लाइसीमिया में आता है जब आपका शुगर लेवल कम हो रहा होता है उस वक्त आता है ठंडे पसीने, प्लस ब्लड प्रेशर में आता है जब सिवियर ब्लड प्रेशर आपका हो हाई, ठीक है, हाइपरटेंशन हो, जबकि हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जा रहा होता है और टूवर्ड्स हार्ट अटैक जा रहा होता है, उस वक्त जो है ठंडे पसीने बहुत आ रहे होते हैं। प्लस ये होता है कि अगर फीवर है आपको उसमें आ रहे होते हैं, कुछ यूरिक एसिड वगैरह में तो नहीं आते, नहीं यूरिक एसिड में नहीं आते, आपको प्रेगनेंसी में बहुत आ रहे होते हैं, मेनोपॉज जिस वक्त आप मेनोपॉज के साइड पे होते हैं उस वक्त हॉट फ्लशेस एंड जो है स्वेट बहुत कम आते हैं, दुल्हनों को आ रहे होते हैं उनकी शादी से पहले, तो वो नर्वसनेस, वो तो नर्वसनेस होता है, वो नर्वसनेस से पहले भी आ रहे होते हैं, एग्जाम से पहले एनी काइंड ऑफ नर्वसनेस, रिश्ते वालों के आने से पहले भी आ रहे होते हैं, वो तो नर्वसनेस है जाहिर सी बात है। अच्छा यूरिक एसिड के क्या सिम्टम्स हैं? यूरिक एसिड तो फिर आपका क्या कहते हैं कि उसमें तो आप बोन्स पे आ जाते हैं ना कि उसको आपके जो है क्रिस्टल डिपॉजिट हो रहे होते हैं, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा एकदम? उसको पेन बहुत रहता है, कहाँ पेन रहता है? ज्वाइंट्स में होता है, स्पेशली जो है टो में बहुत होता है, मतलब कि जो अंगूठा है आपका, जी अंगूठा या आपके ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स सारे ज्वाइंट्स होते हैं, अच्छा। एक एक करके वो अफेक्टेड हो रहे होते हैं, डिपेंड कर रहा होता है कि किस में ज्यादा, लेकिन अंगूठे में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। अच्छा अब मुझे बताइए जो आपकी गुठलियां बन जाती है जिस्म में ना जब आप मसाज करते हैं तो मसाज वाली कहती है आपकी गिराएं बनी हुई नॉट से, आप खुद भी करते हो तो आपको फील होता है कि स्मूथ नहीं है, वो क्या फैटी टिश्यू होते हैं वो एक लंप बना देते हैं आपकी बॉडी में। अच्छा अच्छा ठीक है, इसका कोई कॉज ऐसा नहीं है, ये आपके जेनेटिकली मतलब इनहेरिट कर रहे होते हैं आपके, या फिर अम्मी को थी, नानी को थी, या फिर आपका कि आपने डाइट बहुत ज्यादा ऑयली डाइट होती है आपकी, प्लस इन एक्टिव आपका जो है मतलब लाइफस्टाइल जो है खाया पिया बैठ गए टीवी के आगे, इसके अलावा कोई। अच्छा उसके लिए फैट डिपॉजिट हो जाते हैं जब हम कर रहे थे तो डॉक्टर्स कहते हैं साथ विटामिन बी खाओ। हाँ बिल्कुल, वो उसकी वजह से नसें नहीं खींचती, नसें नहीं खींचती क्योंकि वो न्यूरोबायन होता है उसमें, वो सारी चीजें होती हैं जो कि आपको नर्व्स को रिलैक्स रखती हैं। अच्छा तो और ये है कि ये हार्मलेस होते हैं, पेनफुल भी नहीं होते लेकिन स्लोली ग्रो करते हैं, लेकिन इनका चेक करना जरूरी है। समटाइम ये ज्यादातर बेनाइन मतलब नहीं होता कैंसर, लेकिन हो सकते हैं, हो सकते हैं कहीं गुठली फील हो रही है और अगर बहुत जल्दी बढ़ भी गई है साइज में, ब्रेस्ट उसके लिए भी मेरे पास है, अगर मुझे कुछ ऐसा फील होता है तो मैं पहले अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद फिर अगर उसमें भी आता है तो फिर हम कंफर्म करते हैं मैमोग्राफी पे, उसको अल्ट्रासाउंड पे हम कंफर्म नहीं करते मतलब सस्पेक्ट करते हैं, फिर हम उसको मैमोग्राफी पे भेजते हैं। फिजिशियन के पास हर चीज के लिए जाते हैं, किडनी में दर्द, यूटीआई हो, कुछ भी हो, आप फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, फिर अगर वो समझता है कि कोई इसको कार्डिक प्रॉब्लम है या कोई बहुत ऐसा, फिर हम रेफर करते हैं कि आप किस राह जाना है। फिल्टर होते हैं हमारे पास से पेशेंट, और कुछ होते हैं जो हमारे पास से ट्रीट होते हैं, बिल्कुल पहला स्टेप हमारे पास आए, हमें अगर वो होता है जो अब ऐसी जो चीजें हैं जो हम करते हैं, कुछ चीजें जैसे कार्डिक साइड पे है या सर्जरी साइड पे है तो फिर वे रेफर कर देते हैं पेशेंट को, उस साइड पे हम करते हैं। आप कुछ बताना चाह रही हैं? अच्छा वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन गुठलियों की बात की तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, उसके लिए एक बहुत आसान सी चीज है बहर बूटी जो बारिश में एक जैसे कीड़ा सा पैदा होता है। अच्छा और इसका ये गुठलियों को डिसॉल्व करने के लिए बड़ा इफेक्टिव होता है। अच्छा ये इस तरह का होता है, मैं दिखा देती हूँ, इसको आपने सिर्फ पीसना है, पाउडर बना मतलब पीस के जैसे लेप सा तैयार हो जाता है इसका। सही है। ये आपने बहर बूटी इस तरह से ली और जरा सी जो है इसमें हम डालेंगे अलसी, बस ये दोनों को पीस के थोड़ा पानी मिला के फिर पेस्ट बना के जहां जहां गुठलियां जैसे रात को हल्का सा लगाना शुरू कर दें, तो अगर कोई खास उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो गुठलियां जो है जल्दी से डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। अच्छा अगर ऐसे ही बन गई जैसे लाइपोमा वगैरह कह रहे हैं तो गुठलियां खत्म होना शुरू हो जाती है, तो ये लाजमी करना चाहिए डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ कि अगर वो गुठलियां बढ़े नहीं या हार्ड उसमें ना आए तो आप ये लगाना शुरू कर दे, तो बहर बूटी जो है गुठली को डिसॉल्व कर देती है किसी भी तरह की हो, और साथ साथ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर। थैंक यू सो मच आपका और सारे डॉक्टर्स का, डॉक्टर मिनाल आपका,
कि इतनी सारी चीजें बहुत सारी, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि जनरल फिजिशियन के पास कब जाएं, हड्डियों के डॉक्टर के पास कब जाएं, क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारे ऐसे सवाल जो मेरे दिमाग में भी थे उनको हल किया आज हमने. और मुसीबत ही कह रहे ना, जो बीमारी लग गई तो वो मुसीबत ही हो जाती है जिंदगी के साथ. इतनी सारी जिम्मेदारियां औरतों पे होती हैं और उसके साथ आपकी सेहत ठीक ना रहे तो आप किसी जिम्मेदारी को सर अंजाम देने में ना मतलब लाइक पीछे रह जाती हैं. तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे, क्योंकि कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो अपनी सेहत को प्लीज सबसे पहले देखिए ताकि आप फिर सबकी फरमाइशें पूरी कर सके, सारे घर वालों की. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शो. इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए. मगर अगर फिर भी अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं प्लीज हमें लिख के भेजिए. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.